सो हैलो रेवान एंड गुड आफ्टरनून सभी गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक हाँ जी तो अभी प्रॉपर दिख रहा होगा आपको <coughs> चलिए तो आज के हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला दैट वुड बी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो त्यौहार हैं उनको देखने वाले हैं तो हम लोगों ने क्लासिकल डांस फोक डांस फिनिश कर लिया है कल क्वेश्चन भी कर लिए थे तो उसके एप्लीकेशन पर एंड आज करने वाले हैं क्या <coughs> आज करने वाले हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एक बार कन्फर्म करिएगा सारी चीज़ें प्रॉपर हैं राधे राधे सभी को अंजलि अर्जुन अनामिका सूरज पंपा मोंडल सुभजीत नस्कर आयुष तो आज सभी जितने भी ये डाइवर्सिटी दिख रही है ना कमेंट सेक्शन में सारे स्टेट्स के आज जो है देखने वाले हैं हम लोग फेस्टिवल्स ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं भाई तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ कॉमन रीजंस आपको मिलेंगे हर जगह वो कुछ कॉमन रीज़न्स हैं आपके जैसे कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है यानी कि जब फसल कटाई का टाइम होता है तो आप हर स्टेट में देखोगे कुछ कोई ना कोई जो फेस्टिवल होगा वो फसल कटाई जो होली तक है वो भी आपका एक रबी जो सीज़न होता है उसका हार्वेस्टिंग फ़ेस्टिवल है वो हार्वेस्टिंग मेनली फेस्टिवल होते हैं आपके या फिर कई सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो कि ऑनसेट ऑफ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं कि भाई अब यहाँ से नया साल स्टार्ट हो रहा है तो वो भी हम देखेंगे ठीक है डिफरेंट तरह के डिफरेंट रीजन्स uh, की वजह से जो मनाए जाते हैं फेस्टिवल्स तो सारे देखेंगे बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है तो सबसे पहला कौन सा स्टेट ले लें जल्दी से बताइए कॉमेंट सेक्शन में चलिए तो सबसे पहला स्टेट ले लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हुए आंध्र प्रदेश को ठीक है तो सबसे पहला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश और इसके तीन चार इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं दुर्गा ये लामा जात्रा उगाडी और विशाखा उत्सव अब ये जो उगाड़ी है उगाड़ी ठीक है एफ एम नॉट रॉन्ग ये दो टर्म से मिलके बना हुआ एक तो युग और दूसरा आदि युग का मतलब होता है एक तरह से न्यू एज तो एक्चुअल में ये एक आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है वैसे तो साथ साथ बताता मैं चलूँगा लेकिन लास्ट में समराइज़ भी कर दूँगा जितने भी आपके न्यू ईयर फेस्टिवल्स होंगे जैसे कि अगर हम उगाड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का जो तेलुगु रीजन है वहाँ का ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है ट्रिक यहाँ पे आप इस तरह से ट्रिक तो आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत पढ़ लेना चाहिए ठीक है कुछ कुछ भी आप बना सकते हैं यहाँ पे कि भाई दुर्गा जी है ठीक है दुर्गा या फिर विशाखा जो है गाड़ी लेके दुर्गा माता के मंदिर में गई ठीक है दुर्गा माता के मंदिर में गई तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं दैट इज़ असम अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं तो बिहू बाइको देहिंग पटकाई अले लिगागान अम्बूबाची मजूली फेस्टिवल रॉन्गकेर फेस्टिवल ये सारे आपके फेस्टिवल से ट्रिक देखेंगे और इसके रिगार्डिंग जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी देखेंगे अभी ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिक क्या है तो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि असम की बहू ने भाई को पटक पटक के इतना मारा कि उसको रंगीन कर दिया एकदम <laughs> रंगीन बोलते हैं ना हमारे यहाँ यूपी में इतना मारेंगे इतना मारेंगे तुमको रंगीन कर देंगे मार मार के रंगीन मतलब नहीं जब मारो किसी को तो एकदम नीला नीला पड़ जाता है लाल लाल पड़ जाता है तो उसको वही, वही बोलते हैं कि रंगीन कर देंगे तो असम की बहू ने अपनी भाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया क्यों क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजोली फेस्टिवल देखने जाना था अब असम से यहाँ पे असम है आपका बहू से बिहू फेस्टिवल है ये आई होप सबको याद भी होगा ठीक है बाई को से ठीक है बाई को से आपका बाईको हो जाएगा ठीक है बाई को और कितने लोग हैं यहाँ पे असम से हैं तो बाईको फेस्टिवल और मतलब जितने भी लोग हैं अब देखो क्योंकि जो भी जिस स्टेट का होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आप में से असम का होगा उसको कहीं ज़्यादा अच्छे से पता होगा उस फेस्टिवल के बारे में मुझसे भी ज़्यादा तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हो है ना सर प्राइवेट चलो तो अगर हम बात करें बाइको फेस्टिवल हो जाएगा पटक से हो जाएगा आपका दहिंग पटकाई दहिंग पटकाई आपका यहाँ पे एक सेंचुरी भी है असम में ठीक है और दहिंग पटकाई करके एक रेंज भी है आपकी यहाँ पे दहिंग पटकाई के नाम से ठीक है क्योंकि उसको अली के अबू के साथ अली से अली ए ठीक है एल नहीं होगा अली ए फेस्टिवल अच्छा पुष्कर राज है असम से ओके ठीक है जोगोई असम से चलिए तो ये आपका अली अलीगान फेस्टिवल अली से अबू से आपका अम्बुबाची फेस्टिवल जिसको कि परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे कामाख्या देवी का जो मंदिर होता है जिनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी जाना जाता है तो कामाख्या देवी टेम्पल अबू से अम्बूबाची फेस्टिवल हो गया मजूली से मजूली फेस्टिवल अब हम लोगों ने जोग्राफी में पढ़ा था कि एक मजूली आइलैंड है आपका असम में जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड यानी कि रिवर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है और वो कौन से रिवर बनाती है तो मजोली फेस्टिवल हो गया और रंगीन से आपका रॉन्ग केयर फेस्टिवल हो गया जो कि करबी ट्राइब परफॉर्म करती है और या फिर करबी ट्राइब मेली इसको सेलिब्रेट करती है तो हमने यहाँ पे देखा था ये जो मेघालय और असम का जो पूरा यहाँ पे जो हिल्स हैं इसको हम करबी अंग्लोंग प्लाट्यू के नाम से भी जानते हैं है ना, ना ब्रह्मपुत्रा बनाती है बिल्कुल सही है रजनीश कामाख्या टेम्पल तो भाई किसी ने कुछ ऐड नहीं किया क्या यहाँ पे कोई असम का नहीं है क्या हाँ और एक यहाँ पे और फेस्टिवल होता है एंड दैट इज़ ये होता है आपका मे दम ठीक है मे दम मे फी इसको भी ऐड कर लेंगे ठीक है ये ट्रिक में फिट तो नहीं बैठेगा लेकिन आप इसको अलग से याद कर सकते हैं मे दम मे फी फेस्टिवल है आपका असम के पीपल सेलिब्रेट करते हैं ये यूजली जैन एंड के समथिंग इसको परफॉर्म किया जाता है मे दम मे फ़ी ठीक है आगे बढ़ें बट आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू दी बिहू फेस्टिवल अब जो बिहू फेस्टिवल और एक चीज़ जो बाइको फेस्टिवल इसको यहाँ की जो राभा ट्राइब है एक राभा ट्राइब है वो परफॉर्म करती है बिहू जो है ये फेस्टिवल भी और डांस भी जब हमने डांसेस देखा था तो वहाँ पे भी बिहू देखा था बिहू डांस भी फेस्टिवल भी इस तरह से पूछ चुका है बिहू फेस्टिवल को तीन जैसे नहीं हम उसको बोलते हैं छव को तीन तरह से सेलिब्रेट किया जाता है या तो फिर तीन तरह से तीन डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से परफॉर्म किया जाता है तो उसी तरह बिहू के हमारे तीन डिफरेंट प्रकार हैं एक तो है रंगाली बिहू दूसरा है हमारा भोगाली बिहू एंड तीसरा है कंगाली बिहू इसको अलग अलग रीजंस की वजह से तीनों ही आपके असम में ही हैं जैसे कि जो छऊ के डिफरेंट टाइप से जैसे मयूरभंज आपका उड़ीसा में था ठीक है और वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना जा रहा था और झारखंड जल्दी से बताओ हैं किस तरह से देखा था झाड़ में केला गुरा था और वेस्ट बंगाल में पूरा लिया तो यहाँ क्या था पुरुलिया था है ना इस तरह से याद किया था तो ये हमारे डिफरेंट स्टेट में थे जो छऊ थे ये सेम स्टेट में बट डिफरेंट टाइम पर सेलिब्रेट किया जाते हैं जैसे जो रंगाली बिहू है इसको अप्रैल के टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के टाइम पे और जो रंगाली है इसको बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखिएगा बोहाग बिहू जो भोगाली बिहू है ये जनवरी के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको माघ बिहू भी, भी बोलते हैं और ये माघ का ही महीना है आपको हिंदी के सारे महीने पता होने चाहिए जैसे अप्रैल का ये होता है आपका चैत्र का टाइम होता है तो चैत्र के महीने में ये आपका माघ के महीने में और जो कंगाली बिहू है ये आपका कार्तिक के टाइम पे सेलिब्रेट होता है कार्तिक और इसीलिए इसको हम काटी बिहू भी बोलते हैं और ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है और इसमें से न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा होता है बताइए इन तीनों में से न्यू ईयर कौन सा होगा तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यू ईयर फेस्टिवल है जैसे जो हम होली भी मनाते हैं तो मार्च अप्रैल के टाइम पे मनाते हैं होली एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ आप जैसे अभी, अभी 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 अगर हम बात करें तो अभी हमारा एक तरह से हिंदी वर्ष शुरू हुआ है अप्रैल के टाइम पर तो ऐसा हर जगह जितने भी आपके जहाँ पे भी आप न्यू ईयर जितने भी हम अभी देखेंगे जैसे पीछे हमने उगाड़ी देखा आगे हम गुड़ी पड़वा देखेंगे कोयला बैशाख देखेंगे लोसार देखेंगे तो वो सारे चाहे किसी भी स्टेट में हो वो अप्रैल के टाइम पे ही होता है गुजर ठीक है अप्रैल के टाइम पर तो जिसको हम चैत्र का महीना बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी और तीसरा हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट जरा पीक का नाम बताइए और यहीं पर हमारा अभी क्या सेला टनल है ना सेला टनल बनी है जो कि हाइएस्ट ट्विन ट्यूब टनल है है ना तो थोड़ा सा रिकॉल करिए कि वो किन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करिए अरुणाचल में जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम बताइए अब यहाँ पे ये आपके हैं सानकिन सोलुंग ड्री चालोलोकू लोसर मोपिन और पांगसॉ फेस्टिवल अब इसको याद किस तरह से किया जा सकता है इसकी ट्रिक है अरुणा क्या तेरे संग सोलू इस ट्री के नीचे तो उसने अरुणा ने बोला चलो सर मेरी पिन पकड़ो और पास आओ भाई कोई दिल पे नहीं लेगा ट्रिक का मकसद सिर्फ आपको याद करवाना है अगर आपको दिल में लेना है तो फिर ट्रिक साइड हटा के आप सीधे याद कर सकते हैं ट्रिक उनके लिए है जो थोड़ा सा आसानी से याद करना चाहते हैं बस उसके लिए अब जैसे फॉर एग्जांपल असम का है अब असम के जो लोग असम के उनको थोड़ी ना ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी उनको तो पहले से ही रटे होंगे सारी चीज़ें तो जो स्टेट का आपको नहीं याद आ रहा है उसका आप रेफ़र कर सकते हो और अगर अच्छी नहीं लग रही है ट्रिक तो आप ख़ुद की बना के भी कर सकते हो है ना और ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ भी सो दैट मुझे भी पता चले कि आपने क्या ट्रिक बनाई है तो अरुणा से तो अरुणाचल प्रदेश हो गया तेरे संग ठीक है तेरे संग यार तो तेरे संग से सोलू हो जाएगा ठीक है संग से सानकेन हो जाएगा ठीक है सोलू से सोलों हो जाएगा अरुणा से अरुणाचल प्रदेश संग से सानकेन सोलों से सोलुंग फेस्टिवल ट्री से ड्री फेस्टिवल और चलो सर चलो सर से आपका लोसर हो जाएगा चलो से चलो लोको फेस्टिवल हो जाएगा मेरी पिन से मोपिन फेस्टिवल हो जाएगा और पास आओ से हो जाएगा पाँच साओ सारे याद हो जाएंगे आप मतलब आप राइट साइड मत भी देखो ना तो भी आप बता दोगे सारे अभी ठीक है सारे बता दोगे तो अब यहां पे मैंने क्या पूछा था आपसे सेला टनल के बारे में पूछा था जो कि हाईएस्ट 3000 मीटर की ऊंचाई पे ट्विन ट्यूब टनल है जिसमें एक ट्यूब की लेंथ तो वन किलोमीटर और एक ही वन किलोमीटर हमने पिछले मंथ के करंट अफेयर में देखा था और ये तेजपुर जो आपका असम में है को तवांग इन अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगा ये हमने देखा था एंड अरुणाचल प्रदेश में किब्बतू है वो किब्बत्तू है किब्बत्तू और यहीं पे आपका पड़ता है क्या नामचा बरवा जो कि ग्रेटर हिमालयस की सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है फिर पीक है जहाँ से हमारी नामचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्रा यू टर्न मारती है क्यों मारती है बिकॉज हमने देखा था तो जोग्रफी में यहाँ पर सिंटैक्सियल बेंडिंग देखने को मिलती है ठीक है अब ये जो लोसर फेस्टिवल है जो कि यहाँ का एक न्यू ईयर या फिर मैं बोलूँ कि जो तिब्बतन कम्युनिटी है उसका एक न्यू ईयर फेस्टिवल है तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि तिब्बतन कम्युनिटी का है तो तिब्बतन कम्युनिटी सिर्फ अरुणाचल में नहीं होगी वो सिक्किम में भी होगी वो हिमाचल में भी होगी वो लद्दाख में भी होगी तो इस वजह से लद्दाख में सिक्किम में अरुणाचल में हर जगह तुम्हें लोसर फेस्टिवल देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि ये तिब्बतन जो बुद्धिस्ट होते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं इसलिए ठीक अगला है हमारा प्यारा राज्य बिहार ठीक है तो बिहार के भी फेस्टिवल्स देखते हैं तो बिहार की हमारी छठ छट पूजा छठी मैया की पूजा होती है यहाँ पे भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा होती है साल में दो बार होती है पूजा ठीक है समा चकेवा है बिहुला फेस्टिवल है सोनपुर आपका ये मेला लगता है सोनपुर ठीक है सोनपुर का यहाँ पे नहीं है क्या चलो कोई नहीं सोनपुर मेला लगता है यहाँ पे आपका राजगीर फेस्टिवल होता है याद कैसे रखेंगे याद ऐसे रख सकते हैं कि शाम को तो शाम से शाम चकेवा छत पे से छठ पूजा ठीक है अब ये तो देखो यूपी बिहार वालों को याद होगा ये खासकर बिहार वालों को तो सारे याद होंगे यूपी वालों को भी काफ़ी याद होंगे जो खासकर ईस्टर्न यूपी में होंगे लेकिन अब जो बाकी स्टेट के हैं तो उनको हो सकता है छठ भी ना पता हो काफ़ी लोगों को तो छत पे से आप छठ याद कर सकते हैं बहुला से बिहुला हो जाएगा आपका सैलेश सैलेश से, से आप क्या याद रख सकते हैं सैलेश से, से सोनपुर में ठीक है या तो शाम को छत पे बहू को सोने के लिए ऐसे बुला सकते हो कि सोने प, या मतलब इस तरह से कि भाई शाम को छत पे बहू को ला सो so दैट वो सोने पे राज करे ऐसे कुछ भी मतलब बना सकते हो आप सोने सोने से आपका सोनपुर हो जाएगा और राज से राजगीर फेस्टिवल हो जाएगा शाम को छत पे बहू को ला है ना बहू को ला सो so दैट सोने पे राज करे वो है ना सोने पे राज करेगी वो बहू ऐसे करके आप याद कर सकते हो या फिर वो बहू जो सोने पे राज कर रही है उसको शाम को छत पे लाया करो है ना चलो तो इस तरह से मतलब आप इसको याद कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा स्टेट एंड दैट इज़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पोला अब पोला आपको कुछ और भी स्टेट में जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, आप जो महाराष्ट्र रीजन है यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पर भी पोला देखने को आपको मिलेगा मडई होता है यहाँ पर हरेली आई होप सही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ ठीक है गोंचा फेस्टिवल कर्मा फेस्टिवल कर्मा आपका यहाँ पे झारखंड में भी होता है है ना कर्मा जो लोग झारखंड से उन्हें पता होगा कर्मा यहाँ पे भी होता है आपका और यहाँ पे होता है आपका बस्तर दशहरा बस्तर दशहरा भी आपको पता होना चाहिए और बस्तर में ही हम छत्तीसगढ़ में बस्तर में ही दीपा के नाम से जानते हैं किसको जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है उसको अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि भाई जो छत्तीस मड़ई मड़ई हमारे यहाँ बोलते हैं आदमियों को आदमियों को मड़ई बोलते हैं हमारे यहाँ पर ठीक है कई जगहों पे जो मतलब जो मतलब भिंड वगैरह जो साइड है भिंड वगैरह यहाँ पे लड़कों को मोड़ा बोलते हैं मोड़ा ऐसे करके ठीक है तो मड़ई करके जो आदमी होते हैं ठीक है तो ऐसे याद कर लो छत्तीस से छत्तीसगढ़ मड़ई से मड़ई हो जाएगा आपका सोचा से हो जाएगा गोंचा फेस्टिवल बोला से हो जाएगा पोला फेस्टिवल हवेली से हो जाएगा हवेली से हो जाएगा हरेली फेस्टिवल बस्ता से हो जाएगा बस्तर दशहरा और बस्ता लेके से बस्ता लेके कर दशहरा तो बस्तर दस दशहरा हो जाएगा आपका ठीक है कर्मा तो यार आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी है झारखंड का भी है तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉमन टाइप है मड़ाई दो बार हो गया यहाँ पे ठीक है चलिए तो छत्तीसगढ़ के ये सारे फेस्टिवल याद हो गए किसी को यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इशू हाँ मोड़ा <laughs> मोड़ा बोलते हैं नो साउंड अनेक कुमार आपके फ़ोन में नहीं है साउंड तो बाकी सबको तो आ रही है डायरेक्ट मैन नहीं बोल सकते हैं तुम डायरेक्ट मोड़ा नहीं बोल सकते हो मैन क्यों बोल रहा मोड़ा ही बोलो सीधे हैं लगता है सर भी लगता है था कि सर भी एमपी से ही है नहीं 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 एमपी से नहीं है एमपी में हमारा जन्म हुआ है सर है एमपी से नहीं है गुजरात पे आते हैं अभी ठीक है तो गुजरात पे हैं आपके मोढ़ेरा माधवपुर रन शमला जी मेलो मेला और आपका वॉथ मेला तो इसकी ट्रिक है भाई शर्मा जी माधव से करवा चौथ पे रन कर रहे हैं रन कर रहे हैं मतलब लड़ रहे हैं तो शर्मा जी से शमला जी फेस्टिवल हो जाएगा ठीक है और माधव से आपका माधवपुर हो जाएगा मोढ़ेरा भी याद कर सकते हैं वैसे तो आपको मोढ़ेरा तो याद होना ही चाहिए जो मोढ़ेरा ये का एक डांस फेस्टिवल होता है और पिछले साल मोदी जी ने इसको अटेंड किया था आई थिंक गिनीज़ कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट हुआ था आई फॉर नॉट रॉन्ग है ना तो ये आपका और जो अभी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था फर्स्ट जनवरी 2024 को भी जब बहुत सारे आई थिंक दस हज़ार लोगों ने डिफरेंट साइट्स पे योगा परफॉर्म किया था योगा परफॉर्म किया था फर्स्ट जैन को एंड उसमें से जो सबसे बड़ी साइट थी जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने किया था दैट वॉज मोडेरा सन टेम्पल तो जो मोडेरा सन टेम्पल है वो गुजरात में और वो काफ़ी न्यूज़ में भी आपका रहता है तो ध्यान रखना मोडेरा डांस फेस्टिवल भी यहीं होता है तो शर्मा जी से शमला जी माधव से माधवपुर और माधव से मोधेरा या फिर मोडेरा के लिए कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है ठीक है और चौथ से हो जाएगा आपका वॉथ मेला एंड रन से हो जाएगा आपका रन उत्सव ठीक है जो कि आपका ये रन ऑफ कच्छ में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जो रन उत्सव होता है आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं और गुजरात के फेस्टिवल्स सॉरी डांसेस को आप रिकॉल करिए कौन सा आपका डांस होता है गुजरात में जो कि मॉक फाइट को दिखाता है बिटवीन दी दुर्गा जी एंड महसासुर बताइए फेस्टिवल्स ऑफ गोवा पे आते हैं ठीक है गोवा के फेस्टिवल हैं आपके शिगमो साओ जाओ सनबोर्न कार्निवल फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ग्रेप एस्केपेड बॉन्डरम एंड थ्री किंग्स थोड़ा सा अजीब से नाम है बट फिर भी इस ट्रिक से आपको याद हो सकते हैं जैसे थ्री किंग्स वन टू एक स्टोरी टाइप आप रिलेट कर सकते हैं आप एक स्टोरी टाइप एंड दैट इज़ कि थ्री तीन राजा हैं थ्री किंग्स हैं वेन टू गोवाज सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च यानी कि वो गोवा की सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च पे गए अब इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि भाई याद हो आपको कि सबसे आखिर में पौचुगेज़ ही गए थे और वो गोवा से उनको हमने ऑपरेशन पोलो के तहत भगाया था 1961 सिक्सटी में अगर आपको याद हो तो जब उनको भगाया था यहाँ से तो ऐसे समझ लो कि भाई इतने टाइम तक वो रहे यहाँ पे पॉर्चुगेज़ तो उन्होंने काफ़ी सारी चर्च बना रखी थी तो इस तरह से गोवा से थोड़ा आपको चर्च याद आ जाएगा कि थ्री किंग हैं तीन राजा हैं वेंट टू गोवा की वो फ्रांसिस जेवियर चर्च में गए उन्होंने कुछ अंगूर खरीदे दे टुक सम ग्रेप्स लेकिन उनको कार नहीं मिली अब क्योंकि कार नहीं मिली तो धूप में खड़े खड़े उनको सनबर्न हो गया इसलिए दे से लेट्स गो ठीक है तो थ्री किंग्स से थ्री किंग्स थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि यार अजीब टाइप है लेकिन अब क्या करें मैंने पूरी कोशिश करी आपके लिए जितना काम आसान हो सकता है बाकी थोड़ा आप भी अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स इसमें कर सकते हैं तो थ्री किंग्स आपका थ्री किंग्स फेस्टिवल हो जाएगा एंड गोवा से आपका गोवा याद हो जाएगा सेंट फ्रांसिस जेवियर से फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ग्रेप से ग्रेप से, ग्रेप स्किपेड हो जाएगा आपका कार नहीं मिली कार नहीं ठीक है तो कार नहीं से हो जाएगा आपका कार्निवल बड़ा अच्छा फेस्टिवल होता है गोवा कार्निवल जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो ज़रूर जाइएगा ठीक है सनबर्न और अकेले अकेले मत चले जाना ठीक है हाँ साथ लेके जाना चलना हमको भी सनबर्न की अगर बात करें तो सनबर्न हो जाएगा यहाँ पे एंड लेट्स गो से हो जाएगा आपका क्या लेट्स गो से आप बना सकते हैं शिगमो ठीक है थोड़ा सा अजीब टाइप है लेकिन फिर भी शिगमो और आ, सो जाओ ठीक है सो जाओ तो आपको याद है याद करो डांस भी है ना डांस भी हमने इस तरह से पढ़ा था कि भाई जो माधवी को क्या बोला था कि सो जाओ कल सुबह गाँव चलना है तो गाँव से गाँव डांस था सो जाओ से साओ जाओ था है ना तो इस तरह से हमने वहाँ डांस देखा था तो जाओ आपको पहले से याद है बाकी इस वाला जो स्टोरी है इससे आपको बाकी भी याद हो गया थ्री किंग्स आपका फेस्टिवल ठीक है गोवा सेंट फ्रांसिस ग्रेप एस्केपेड कारनी से आपका कार्निवल हो गया सनबर्न से सनबर्न फेस्टिवल हो गया आपका एंड लेट्स गो से आपका शिगमो फेस्टिवल हो गया है ना और शिगमो के अलावा यहाँ पर जागो फेस्टिवल भी होता है शिगमो फेस्टिवल एंड जागो फेस्टिवल ठीक है अभी आते हैं द वेरी ब्यूटिफुल स्टेट एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश पे आते हैं ठीक है हिमाचल प्रदेश के हमने कुछ डांसेस को रिकॉल कर लेते हैं जैसे नाटी हमने पढ़ा था धमन पढ़ा था और कौन कौन से हमने डांसेस पढ़े थे जर धमन नॉट धमाल द धमन डांस पढ़ा था जल्दी से बताइए छपेली पढ़ा था याद है आपको नाटा छोरा छोरा छाली छप्या छप च्छप कर रहा है तो इस तरह से हमने पूरा ट्रिक देखा था तो यहाँ पे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में हल्दा साजो मिंजर पोरी सैर फुलेच हल्दा और चैतराउल ये हैं आपके इंपॉटेंट फेस्टिवल्स हिमाचल प्रदेश के जिनको कि हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो क्योंकि कलिंजर के राजा आ रहे हैं कलिंजर क़िला को कहाँ देखने को मिलेगा कलिंजर का जो फोर्ट है और ये बताइए कि जो कलिंजर का फोर्ट है यहाँ पर किस आ, एक मेडिवल इंडिया के रूलर की डेथ हुई थी हिंट देता हूँ आपको उसका ओरिजिनल नेम फरीद खान था और उसका जो मौसलिया मैसे या फिर उसकी कब्र है वो सासाराम बिहार में है तो हिम से अगर बात करें तो हिम परी तो हिम से आप याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश परी से पोरी फेस्टिवल याद हो जाएगा हल्दी से आपका आ, हल्दा फेस्टिवल हो जाएगा फूल से फलाइज फेस्टिवल हो जाएगा फलाइज फेस्टिवल सजा दो से सजा दो से साजो फेस्टिवल हो जाएगा एंड कलिंजर से आपका हो जाएगा मिंजर कलिंजर और मिंजर थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है ठीक है और राजा आ रहे हैं तो कलिजर हो गया राजा आ रहे हैं राजा को जाने में तो आप क्या करोगे राजा का ठीक है तो हल्दी से आपका हल्दा हो जाएगा ठीक है कलिजर में डेथ हुई थी किसकी शेर शाह सूरी की जिसने कि किसक हराया था दो बैटल्स में हुमायूं को फिफ्टीन थर्टी नाइन बैटल ऑफ चौसा फिफ्टीन फोर्टी बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलीग्राम में हराया था ठीक है तो हल्दा साजो मिंजर पोरी सैर फ्लाइच हल्दा एंड हल्दा दो बार हो गई थी ना दो बार हो गया तो ये हमारे फेस्टिवल्स है हिमाचल प्रदेश के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और वो बार बार जब रिपीटेशन होगा ना तो अपने आप याद हो जाएंगे ज़्यादा लोड मतलब जितना अंदर जा रहा है जितना भी अंदर जा रहा है नेचुरल फ्लो जाने दो अंदर ठीक है जब क्वेश्चन करेंगे खूब सारे ढेर सारे कल ठीक है तो आपको समझ में आएगा बिकॉज आज तो आई थिंक नहीं हो पाएंगे है ना क्योंकि आप लोगों को फिर लेट हो जाता है सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते तसली सब जैसे कल हम लोग ने तसली से सारे क्वेश्चन कर लिए थे तो अभी आते हैं हरियाणा पे तो हरियाणा में सूरज कुंड होता है ध्यान रखना सूरज कुंड और वहाँ पे बिहार में क्या हो रहा था सोनपुर लग रहा था बिहार में सोनपुर था यहाँ पर सूरज कुंड है पिंजौर गुग्गा नौमी और गंगौर गुग्गा आपका डांस भी था है ना गुग्गा आपको याद आ रहा है ये कौन मेल परफॉर्म करते हैं और इसको हम एक आ, मतलब ये स्नेक्स को डेडिकेटेड फेस्टिवल है सांपों को फेस्टिवल डेडिकेटेड ये फेस्टिवल है आपका स्नेक्स को गुग्गा नॉमी ठीक है गंगौर जो फेस्टिवल है ये आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा ध्यान रखना है ये माता पार्वती को समर्पित ये है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है माता पार्वती को तो सूरज की पिन गंगा में गुम हो गई इस तरह से तो सूरज से सूरज कुंड हो जाएगा और पिन से पिंजौर हो जाएगा ठीक है पिन से पिंजौर हो जाएगा सूरज से सूरज कुंड हो जाएगा और गंगा से हो जाएगा आपका गंगौर हो जाएगा एंड गुम से गुग्गा नवमी हो जाएगा आपका ठीक है चलिए ये है आपका सूरज कुंड का मेला सूरज कुंड फेयर ये लगता है फरीदाबाद जो पड़ता है आपका हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर पे ही वहीं पे लगता है ये अगला है आपका फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड पे आते हैं झारखंड अगेन बहुत यहाँ पे ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है यहाँ पे बहुत सारे मेनली ट्राइबल कम्युनिटी के ये फेस्टिवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट ट्राइबल जो कम्युनिटी रहती हैं तो जैसे कि एक इनका सरहुल होता है करम होता है जवा होता है सोहराई होता है भागता परब होता है रोहिणी होता है तुस् परब जैसे फिर मोटरोंग जो करम फेस्टिवल होता है फिर कर्मा मुझे कन्फर्म करिएगा कि जो लोग झारखंड या फिर बिहार से भी हैं उन्हें भी पता होगा कि आई थिंक ये जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने ब्रदर के लिए रख मतलब इस फेस्टिवल को किया जाता है जहाँ पे सिस्टर्स अपने ब्रदर के लिए और हार्वेस्ट फेस्टिवल तो है ही है हार्वेस्ट फेस्टिवल तो है ही है ठीक है लेकिन ये सिस्टर्स अपने ब्रदर्स के लिए भी करती हैं इस पर्टिकुलर फं फेस्टिवल को परफॉर्म कंफर्म करिएगा एक बार मुझे कि एम करेक्ट और नॉट सरहुल फेस्टिवल होता है जवा सोराई भक्ता परब रोहिणी और तुसु परब तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको याद करने की क्या ट्रिक है तो रोहिणी का भक्ता सोहर उसको सुसु लगी उसने ये कर्म सरहद पर कर दिया कर्मा होता है हाँ वही कर्म कर्मा होता है कर्मा होता है हाँ गंगौर आज ही है बिल्कुल आज ही गंगौर है हाँ हाँ गंगौर आज ही है आपका यस सर सही हुए मैं हाँ बिहार में भी होता है अच्छा 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 पता ही नहीं है कोई नहीं अच्छा यस सर लेकिन मैं करती नहीं है हाँ <laughs> ठीक है कोई नहीं तो रोहिणी का भागता सोहर तो रोहिणी से रोहिणी हो जाएगा भागता से भागता परब हो जाएगा आपका भागता परब ठीक है भागता परब ठीक है एंड सोहर से हो जाएगा सोहराई सुस्सू से हो जाएगा कौन सा तुसु सुस्सू से हो जाएगा तुस्सू परब ठीक है परब मतलब पर्व 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 जो पर्व होता है मतलब कोई फेस्टिवल होता है कर्म से आपका वही करम या फिर कर्मा फेस्टिवल और सरहद से हो जाएगा सोहराई फेस्टिवल है ना सरहद से हो जाएगा सोहराई तो सारे याद हो गए रोहिणी का भागता सोहर उसको सुलगी तो उसने ये कर्म जो है सरहद पे कर दिया अच्छा ये बताओ जो सुस्सु होती है उसमें जो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना बायोलॉजी में इसलिए पूछा हूँ जी येलोइश कलर होता है वो क्यों होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था तो अगर आप चाहें तो बता सकते हैं तो ये कौन सा है ये झारखंड वाले बताएंगे अब इस पता चलेगा ये झारखंड वाले बताएंगे जिसमें कि वेमेन जो हैं इस तरह से लाल और सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती हैं सफ़ेद कलर इज़ अ सिंबलिक ऑफ़ पीस एंड जो रेड कलर होता है इज़ अ सिंबलिक ऑफ़ स्ट्रेंथ ब्रेवरी बताइए ज़रा झारखंड के कितने लोग देखते हैं पहचान पाएंगे बताओ जल्दी से तो अगला है हमारा फेस्टिवल ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर अभी हम देखने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल्स होते हैं हाँ यूरिक एसिड की वजह से होता है बिल्कुल यूरिक एसिड की वजह से अच्छा कलर यूरोक्रोम बिल्कुल और यूरोबिलिन की वजह से जो हाँ सॉलिड वेस्ट होता है उसका जो कलर होता है हाँ बाइल बाइल जूस हैं कहाँ मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है भाई बाइल जूस बाइल जूस की वजह से येलो कलर होता है उसका है हाँ सर पहने हैं हाँ नहीं पहने तो हैं लेकिन हाँ सरहुल सबका सही है सरहुल जो है उसमें इसको वो करते हैं बिल्कुल सही सभी का अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे ठीक है तो जम्मू एंड कश्मीर के फोक डांस रिकॉल कर लें क्या तो इसमें हमने देखा था कि जो हैरिस रॉफ था हैरिस रॉफ था वो क्या है तो रॉफ से रॉफ डांस भंड हो के ठीक है तो भंड हो के भंड ये हमने इस तरह से पढ़ा था भंड हो के क्या कर रहा था कूद रहा था भंड हो के कूद रहा था इस तरह से हमने पढ़ा था है ना और रॉफ़ मैंने बताया था वेमेन परफॉर्म करती हैं और इसी की तरह एक होता है जो मेन परफॉर्म करते हैं मेल परफॉर्म करते हैं उसका नाम क्या है डी से नाम स्टार्ट होता है उसका तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमें दो फेस्टिवल याद रखने हैं तो ट्यूलिप जो कि यहाँ पे ट्यूलिप का फेस्टिवल होता है मतलब तो ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलेंगे एंड शिकारा फेस्टिवल ट्यूलिप एंड शिकारा फेस्टिवल दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में ट्यूलिप एंड शिकारा अभी आते हैं कर्नाटका के फेस्टिवल कर्नाटक में भी आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो अभी हम देखेंगे धीमसा नहीं है सर जी धीमे से तो हम बुर्रा बना रहे थे कहाँ पे धीमे से लम्बाडी <laughs> लम्बाडी मैडम लम्बा ठीक है धीमे से माधुरी है ना इस तरह से कुछ याद आ रहा है आपको तो वो है कहाँ का तेलंगाना तेल लगा के धूमल सही है भूमिका गुप्ता सही बताया धूमल धूमल धूमल, धूमल. ठीक है धूमल सही है अभी आते हैं कर्नाटका के तो कर्नाटका के हेम्पी कंबाला महामद से अभिषेक पट्टा डक्कल एंड कैल पौध गॉम्बी हब्बा गौरी हब्बा हब्बा दिख जाए सीधे कर्नाटक उगाडी उगाडी आपका केरल आंध्रा का भी है और कर्नाटक का भी जो आपकी ये तेलुगु का कम्यूनिटी है वो सेलिब्रेट करती है इसको ठीक है और करगा फेस्टिवल अब देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे ठीक है और हमने देखे थे यहाँ के डांसेस भी देखे थे कर्नाटक अगर आप याद कर सको तो रिकॉल कर सको तो तो हमारा काम वाला है अभिषेक हमारा काम वाला अभिषेक कल अपने अब्बा के साथ गाड़ी करके आया था ठीक है कोई अभिषेक है हम बुरा नहीं मानेगा तो हमारा काम वाला अभिषेक तो हमारा से क्या हो जाएगा चलो हमारा से देख लेंगे क्या हो जाएगा अभिषेक से तो महाम्मद से अभिषेक हो जाएगा ये आप देख पा रहे हैं ये महामद से अभिषेक है ये श्रवण बेलगोला वही जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना परफॉर्म किया था जिस जो कि अभी रिसेंटली किसने परफॉर्म किया था जरा बताइए कमेंट में जो न्यूज़ में था आपका पक्का पूछेगा आपसे करंट अफेयर्स में देखिएगा जब भी अभी एग्जाम होने दीजिए सी के सी के लिए और काफ़ी लोग मुझे पता है वेट कर रहे हैं सी पी के लिए अब तुम्हें पता है अगर मैं कुछ अनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा अनाउंस होगा फिर फिर ठीक है अगर अनाउंस नहीं हो रहा है तो कुछ बड़ा ही अनाउंस होगा अभी संडे को इंतज़ार करो संडे को अनाउंस होगा जो भी आगे चीज़ें होंगी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब बात आ ही गई है जब डिले हुआ सीपीओ सी एस का तो इसमें थोड़ा एडवांटेज मैं देना चाहता हूं सीजीएल वाले कैंडिडेट्स को जिनका सिलेबस एटलीस्ट एटलीस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट कंप्लीट हो गया नहीं हो गया तो तो ठीक है उनको करते रहना करते रहना करते रहना जिनका एटलीस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट हो चुका है उनको मैं एक एडेड एडवांटेज देना चाहता हूं सो so दैट जो सीपीओ सी एच एस एल सेलेक्शन पोस्ट और एस एस सी जेई को टारगेट करें तो जो हम टारगेट करेंगे जो टारगेट सीरीज होगा जो भी सीरीज़ होगा स्टार्ट होगा तो उससे सीजल वाले इतने तैयार हो जाएँ पहले ही कि उनके लिए आगे इस जी के इस राइ का केक वॉक फिर वो जितने मॉक लगाना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं अगर कोई चीज़ वीक पोर्शन है तो उस पर भी काम कर सकते हैं जी के वीक पोर्शन नहीं रहेगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दूध शहद ये सब डाला जाता है ये कौन है ये गोमतेश्वर बाहुबली जी हैं जो कि पहले जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव उनके बेटे ही हैं ये गोमतेश्वर बाहुबली जी ठीक है तो ये महामत् से अभिषेक और हाँ आचार्य विद्या विद्यासागर जी जो है उन्होंने सल्लेखाना परफॉर्म किया अब्बा से आपके हो जाएंगे गोम्बी हब्बा और गौरी हब्बा हो जाएगा गाड़ी से हो जाएगा आपका गाड़ी से उगाड़ी फेस्टिवल हो जाएगा करके आया था करके आया था से आज मैं करके आया <laughs> किसने स्टेटमेंट दी थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, है कौन था वो हार्दिक पांडा था कारगा करगा फेस्टिवल हो जाएगा आपका ठीक है करगा हो गया गाड़ी हो गया गौरी अम्बा ये भी हो गया आपका और महामत् से अभिषेक हो गया पट्टा डक्कल ये याद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि पट्टा डक्कल में किसने टेम्पल्स बनवाए थे चालुक्य डायनेस्टी ने टेम्पल बनवाए थे किस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इन लोगों ने टेम्पल बनवाए थे जरा बताइए चालुक्य ने और चालुक्य में हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे कि एक बादामी के चालुक्या थे जिनकी कैपिटल वातापी हुआ करती थी देन यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्या थे जिनकी कैपिटल वेंगी हुआ करती थी देन यहाँ पे लेटर चालुक्य है जिनकी कैपिटल कल्याणी हुआ करती थी तो जो अर्ली चालुक्याज थे या फिर चालुक्याज ऑफ बादी थे उन्होंने पट्टा डक्कल में काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए थे वेसर स्टाइल में वेसर स्टाइल में आपके टेम्पल्स बनवाए थे जैसे कि यहाँ पे एक विरूपाक्ष टेम्पल भी बना एक विरूपाक्ष है हम्पी में वो लक्कन दंडेशा ने बनवाया था ये पट्टा डक्कल में जो बनवाया था वो बनवाया था क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था ठीक है पट्टा डक्कल में पट्टा डक्कल में आई होल आपको टेम्पल देखने को मिलेगा दुर्गा टेम्पल जो एपसाइडल प्लेन पे बना हुआ है ये सारी चीज़ें हमने देखी थी तो कैल पौध फेस्टिवल और कम्बाला कम्बाला फेस्टिवल आपने ज़रूर देखा होगा इट इज़ योर इसको हम बोलते हैं बफेलो रेस बफेलो रेस होती है आपने देखा होगा एक बार न्यूज़ में भी था कि उसे बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया एक मतलब जैसे एक लोग होते हैं इसमें तो भगाते हैं ऐसे बुल्स को तो ये जो बैल या फिर जो भैंस टाइप होते हैं ये भैंसे होते हैं उनको भगाते हैं ठीक है ये पानी का इस तरह से पानी नीचे पड़ा होता है तो यही होता है आपका कंबाला और हम्पी जो है इसको हम विजय उत्सव के रूप में परफॉर्म करते हैं विजय उत्सव किसकी वजह अब आपको पता होना चाहिए विजयनगर जो हमारा साम्राज्य था विजयनगर एम्पायर था उसकी कैपिटल थी हम्पी जो कि किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है ज़रा बताइए कमेंट में हम्पी के जो रोइंस हैं आज भी वहाँ पे मिलते हैं जो विजयनगर तो वो उन्हीं की विजय को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जैसे उड़ीसा में अभी आएंगे तो वहाँ कलिंग पे भी आएंगे तो कलिंग से आप रिकॉल करिएगा अशोक जी को ठीक है तो हम्पी की अगर बात करें तो ये तुंग भद्रा जो नदी है उसके किनारे सिचुएटेड आपका ये है जो हम्पी है जो विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर के जरा फाउंडर भी बता दीजिए कॉमेंट में अभी आते हैं दी नौ, केरला स्टेट पे ठीक है केरल पे तो केरल पे आते हैं और केरल की स्टोरी देखते हैं अभी तो केरल की स्टोरी कुछ इस तरह से थ्रिरुरपुरम विशु फेस्टिवल थेयम फेस्टिवल अरुट्टू फेस्टिवल अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल पेनकुनी फेस्टिवल वल्लम कली बोट रेस फेस्टिवल ओनम जो कि किंग महाबली के लिए होता है एंड मकर विलाकू फेस्टिवल ये सारे हमारे होते हैं यहाँ पे अब जो थिरुरपुरम फेस्टिवल होता है अभी इसको मैं दिखाता हूँ आपको अभी आपको दिखाऊंगा लेकिन पहले ट्रिक देख लेते हैं पूरन वासु एंड निशा दे आर एट पेन दे ऑल आर एट पेन क्यों क्यों पेन में दर्द में क्यों है बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस ऑन मकर संक्रांति इनकी कई सारे ऐसे हैं जिनकी मैंने ट्रिक भी डाल रखी है वाइटी शॉर्ट्स पर बना के तो ये मैंने पहले ही डाल दी थी तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ पर भी जाके तो पूरन से हो जाएगा आपका पूरम थ्रेसर पूरम फेस्टिवल वासु से हो जाएगा विशु फेस्टिवल जो है आपका यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल तो न्यू ईयर अगेन चैत्र के महीने में वही अप्रैल के टाइम पे अभी ठीक है निशा से है आपका निशा गांधी नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ तो ध्यान रखना यहां पे लिख लेना निशान गांधी फेस्टिवल. ये होता है आपका केरल में ही तो निशा से निशान गांधी फेस्टिवल हो जाएगा थे से हो जाएगा थेयम फेस्टिवल थेयम फेस्टिवल होता है केरल का थ्रेसुरपुरम जो होता है वो तमिलनाडु का थ्रेसुरपुरम ठीक है पूरम. एट पेन एट से हो जाएगा अटुकल पोंगल एटक से हो जाएगा एट्टुकल पोंगल आर से हो जाएगा अरट्टू आर से अरट्टू एट से अट्टुकल कौनों छूट रहा है नहीं छूट रहा है पूरन से भी होगा गया वासु से विषु हो गया निशा से निशान गांधी हो गया थे से थे हो गया आर से अरट्टू हो गया एट से अट अट्टुकल पोंगल हो गया पेन से पेनकुनी फेस्टिवल हो गया जो कि आपका पद्मनाभा स्वामी मंदिर है जो कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है पद्मनाभा स्वामी मंदिर इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है दे से अगेन यहाँ पे भी थेम बना सकते हो बनाना चाहते हो इस थे से नहीं तो इस थे से बोट रेस से हो जाएगा वल्लम कल्ली बोट रेस अब इसको भी आपको दिखाते हैं और मकर संक्रांति से मकर विलाकू फेस्टिवल तो सबसे पहले तो ये है आपका फेस्टिवल थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल ये जो आप देख पा रहे हैं ये हाथी है ये हाथी हैं जो यहाँ से निकलते हैं ये टेम्पल है ये कौन सा टेम्पल है कोई है आप एक केरल से जो बता सके कौन सा टेम्पल है अभी पता चल जाएगा तुम कितने प्योर केरलाइट हो हिंट दें आपको वी से नाम चालू होता है लिखें उम्मीद है जो केरल से होगा उसने लिख दिया होगा वडक्कुम नाथ टेम्पल ठीक है वडक्कुम नाथन टेम्पल ठीक है वडक्कुम नाथ टेम्पल है जहाँ से ये इस तरह से निकलते हैं आपके क्या सजा के ये जो होता है हमारे हाथी और ये है आपकी वल्लमकली बोट रेस जहाँ पे इस स्नेक के शेप में स्नेक के शेप में इनको वो किया जाता है यहाँ पे बो ट्रेस भी होती है आपको पता होगा कि हमने जब पढ़ा था क्या हमने जब पढ़ी थी जोग्राफी तो यहाँ पे पढ़ा था यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिलते हैं बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं केरल में जो कि एक हमारे लगून लेक्स हैं जैसे कि आपका वेम्बानद लेक है लॉन्गेस्ट लेक है ना हमने यहाँ पर देखा था जो केरल है केरल में ही हमारा एक वेम्बानद लेक है एक है हमारा अष्टमुड़ी लेक अष्ट मुड़ी लेक है यहीं पे हमारा वेम्बानद लेक जो है इसमें कौन सी रिवर आके गिरती है इसमें हमारी गिरती है पंबा रिवर ठीक है तो वेम्बानद लेक हो गया अष्टमढ़ी लेक हो गया ये हमारे बैक वाटर्स हैं या हमें लगून लेक्स हैं ये जो कोस्ट में हमें देखने को मिलते हैं तो यहीं पे बोट रेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और लेक की बात आई तो जरा बताइए कोलेरू लेक किस स्टेट में है समझ गया ये कोलेरू लेक और और कुछ तो नहीं छूट रहा नहीं छूट रहा है किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है एक बार कन्फर्म कर दो दिन हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा सॉरी ट्वेल्थ हमारा नॉट स्टेट बट यूटी लद्दाख पम्बा अष्टमोड़ी वेम्बानद सही है तो कोलेरू हमारा कहाँ पे आंध्र प्रदेश में ध्यान रखना जो कृष्णा और गोदावरी गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा उसके बीच में है एंड देन उसके नीचे हमें देखने को मिलता है कौन सा पुलिकट लेक जो आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है ये चीज़ हमें पता होना चाहिए और उसके ऊपर है सबसे ऊपर उड़ीसा में चिलका लेक जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रैकिश वाटर लेक और इंडिया की पहली नेहरू ट्रॉफी होती सुर भी बिल्कुल नेहरू ट्रॉफ़ी होती है आपकी तो ये हमने जोग्राफी में पढ़ा था और जो चिल्का लेक है वो इंडिया की पहली रामसार साइट भी है तो लद्दाख पे आते हैं अभी जहाँ पर इतना आपको पता है है ना कितवाल मच रखा है तो लद्दाख पे आते हैं तो लद्दाख के हैं हेमिस साका दावा और लोसर फेस्टिवल तो लोसर तो आपको याद है साका दावा भी अभी याद हो जाएगा अभी देखना सिक्किम में याद हो जाएगा बस हेमिस याद कर लेना हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में हम जब नेशनल पार्क देखेंगे तो वहाँ देखेंगे अब ये क्वेश्चन अभी जो डी ट्रिपल एस बी का जो अभी एग्जाम खत्म हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था ये कितने दिन ये फेस्टिवल चलता है गेस करिए इसमें कितने दिन चलता होगा और ये जो है हमारे एक क्या नाम उनका पद्म संभव हाँ ठीक है जो पद्म संभव जी जो हैं पद्म संभव ये एक देवता टाइप है पद्म संभव ठीक है या फिर गुरु टाइप है तो उनके लिए इसको परफॉर्म किया जाता है एंड इट इज अ टू डे फेस्टिवल दो दिन का ये फेस्टिवल है आपका क्लियर है यहां तक सभी को हाँ जी ठीक ओनम ओनम भी यहाँ पे लिख लो फिर ओनम भी यहाँ पे लिख लो लगे हाथ ओनम कितने दिन का फेस्टिवल है ये दस दिन का फेस्टिवल है ध्यान रखना ये दस दिन चलता है ओनम जो फेस्टिवल है और ये आपका एक राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है ठीक है ये एक आपका राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है राइस हार्वेस्ट यानी कि जब राइस की हार्वेस्टिंग होती है उस समय और ये यहाँ पे मैंने बताया नहीं आपको को किंग महाबली अब ये एक राजा थे माना जाता है महाबली करके एक राजा थे जिन्होंने देवों का वध किया था ठीक है देवों का इन्होंने वध किया था लेकिन इनके नाम पे और इसी दिन हम ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं केरल में रीजन उसका ये कि माना जाता है कि भले देवों का वध तो किया था लेकिन ये दिल से बड़े महान थे लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया करते थे जो हमारे महाबली जी थे तो इसी दस दिन का फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है किंग महाबली के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे ठीक है अगले पे आते हैं लद्दाख पे तो लद्दाख याद हो गया दो दिन का फेस्टिवल है ये पद्मना पद्म संभव पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है जो कि केरल में है जहाँ पे आपका ये पेनकुनी फेस्टिवल होता है हेमिस ये होता है पद्म संभव गुरु हैं उनके लिए होता है ये ठीक है मध्य प्रदेश पे आते हैं अभी तो मध्य प्रदेश में लोकर रंग खजुराहो भगोरिया हाट गंगौर रसनवा घडल् पीरबुधान पंचमढ़ी तानसेन और चेतियागिरी विहार स्टार्ट करते हैं लोकरंग से यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे ठीक है लोक रंग से स्टार्ट करते हैं अब लोकरंग जो है ये पाँच दिन का उत्सव है ठीक है फाइव डे का ये फेस्टिवल है एंड एफ एम नॉट रॉन्ग ये आई थिंक जनवरी के टाइम पे होता है मध्य प्रदेश वाले बताएंगे आई थिंक जनवरी के टाइम पे होता है रिपब्लिक डे के टाइम पे खजुराहो खजुराहो आपको पता है ग्रुप ऑफ़ टेम्पल्स से मध्य प्रदेश में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है तो उससे आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं कि जो खज खजुराहो जो टेम्पल्स हैं वहाँ खजुराहो टेम्पल में इसको परफॉर्म किया इसको किया जाता है खजुराहो फेस्टिवल ठीक है भगोरिया हाट फेस्टिवल होता है यहाँ पे भगोरिया हाट और भगोरिया से याद रखना कि ये सेवन डे का फेस्टिवल है सात दिन का फेस्टिवल है और इसको होली से पहले किया जाता है बिफोर होली गंगौर अभी देख चुके हैं माता पार्वती के लिए रसनवा पीर बुधान पंचमढ़ी उत्सव तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल अभी आपको पता होगा तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था और लगभग तेरह सौ लोगों ने ग्वालियर के किले में ग्वालियर फोर्ट में एक मतलब कि एक कॉमन ट्यून में आई थिंक कॉमन ट्यून में एक क्या बजाया था मतलब अभी क्योंकि तानसेन फेस्टिवल वहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश में तो उसी उपलक्ष्य में तेरह सौ लोगों ने वो किसके एक्सपोनेंट थे तानसेन जी हमारे मियाँ तानसेन जी तो ये थे हमारे रुद्रवीणा के लेकिन रुद्रवीण नहीं बजाई गई थी तबला बजाया गया था यहाँ पर ठीक है और तबला से एक तरह से आई थिंग फ्रॉम नॉट रॉन्ग वंदे मातरम की धुन निकाली गई थी और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था पहली बात दूसरी बात कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वी वुड सेलिब्रेट 25 दिसंबर एज दी एज तबल, दी तबला डे तबला डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा तो जब भी पिछला तानसेन फे, म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था ग्वालियर के किले में वहां पे और चेतियागिरी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो तानसेन जे मियाँ तानसेन जिनका ओरिजिनल राम रामतनु पांडे था वो ग्वालियर या फिर रीवा घराने से बिलोंग करते थे है ना ग्वालियर के जो किंग थे रामचंद्र सिंह उनके कोर्ट में थे ये बाद में अकबर ने इनको बुला लिया था तो फिर ये खुद तो नहीं जा रहे थे लेकिन जो ग्वालियर के किंग थे तोमर वंश के उन्होंने भेज दिया था उनको कि आप जाओ तो इन ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे चेतियागिरी विहार फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये जो सांची स्तूपा है ठीक है अब विहार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बुद्धिस्ट Monks होते हैं बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते हैं वो जहाँ पे पूजा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जरा बताइए सी से नाम स्टार्ट होता है और जहाँ रहते हैं उसको विहार बोलते हैं तो सांची स्तूपा है आपको पता है स्तूपा बुद्ध जी की लाइफ के किस इवेंट को दर्शाते हैं ये भी बता दीजिए लगे हाथ तो ये हमारे खजुरावा फेस्टिवल तो वो होते हैं हमारे क्या चैत्य तो चैत्य में रहते हैं हमारे जो बुद्धिस्ट मंग होते हैं और विहार सॉरी चैत्य में टै वर्शिप करते हैं और विहार में वो रहते हैं और स्तूपा हमारे भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण है जिसको हम डेथ बोलते हैं तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं डेथ नहीं बोलते हैं वैसे डेथ कोई महापरिनिर्वाण बोलते हैं तो उसको सिम्बलाइज करता है ये हमारा एमिसफेरिकल डोम ये हर्मिका ये छत्र देन यहाँ पे तोरोना देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको मेदी देखने को मिलता है यहाँ पे आपको वेदिका देखने को मिलती है ठीक है तो ये सारा पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं तो ये हमारे खजुराहो के टेम्पल है जिनको किस डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था बताइए जल्दी से जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर जो है कार्विंग्स देखने को यहाँ पे मिलेंगी है ना लेकिन बहुत अच्छी है लेकिन अकेले जाइएगा देखने और अच्छा आनंद आएगा तो खजुराहो की अगर बात करें तो ये चंदेल जो डेनेस्टी के रूलर्स हैं उन्होंने इसको बनवाया था खजुराहो ग्रुप ऑफ़ टेम्पल्स को जहाँ पे आपको कंदरिया महादेव टेम्पल भी देखने को मिलेगा ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है तो इसमें कंदरिया महादेव टेम्पल है ठीक आगे बढ़ते हैं और ये आपका क्या है यही ये ये तानसेन वाला फेस्टिवल है आपका ठीक है चलिए अभी आ जाते हैं मणिपुर में और ज़रा कमेंट में ये बताइए मणिपुर में जो आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है सबका सही है पंचायतन स्टाइल में बिल्कुल अंकिता साहू ऐसे एडॉन्स मुझे अच्छे लगते हैं पंचायतन राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट नहीं पंचायतन स्टाइल में बने हुए बिल्कुल पंचायतन स्टाइल इस तरह से हमने देखा था है ना पंचायत जहाँ यहाँ पे एक चीफ ड्यूटी होती है मतलब चीफ ड्यूटी होती है यहाँ पे साइड में चार डेटीज़ होती हैं तो यस जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के टेंपल्स हैं ज्यादातर वो पंचायतन शैली में ही बने हुए हैं मणिपुर में हमारा जो फ्लोटिंग एक नेशनल पार्क है दैट इज केबुल लैम नेशनल पार्क और जो फ्लोटिंग वो आइलैंड्स टाइप है उनको हम फुमडिस के नाम से जानते हैं अगर कभी पूछ ले मैंने जोग्राफी में आपको पढ़ाया भी था उनको फुमडिस बोलते हैं जो ऑर्गेनिक मटीरियल फ्लोट कर रहा होता है लोकटक लेक में है ना तो मणिपुर पे आ जाते हैं तो मणिपुर के यहाँ के डोल यात्रा लई हरो गंग कोट चेरी ब्लॉसम लू न गंग न और हेरकू हिंडोनबा तो याद कैसे रखेंगे कि लुगाई आते ही डोल और चेरी लाए और फिर हिंडन में नहाए लुगाई आते ही डोल और चेरी लाए हिंडन और हिंडन में नहाए ठीक है इस तरह से तो लुगाई तो जानते होंगे काफ़ी मतलब सभी लोग जानते होंगे ठीक है जो साउथ इंडिया से हो सकता ना जानता हो तो लुगाई से तो दो याद हो जाएंगे लू नगाई और गंग नगाई आई मुझे पता है मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ ये तो मुझे पक्का पता है लेकिन प्रोनाउंस करने के लिए वहां पे नहीं आएगा ठीक है बस सही करना है आपको तो लू लु, लुगाई से लू नगाई और गंग नगाई याद हो गया आपको डॉल से याद हो गया आपको डॉल यात्रा या यावशांग फेस्टिवल के नाम से भी इसको जानते हैं चेरी से अगर बात करें चेरी ब्लॉसम है ना लाई हरोबा को याद नहीं करना है आपको पहले से याद है या। ये ये क्लासिकल डांस में भी पढ़ाए थे फोक डांस में भी पढ़ाए थे और फेस्टिवल में भी देख रहे हैं याद आ रहा है माई बीस जो परफॉर्मेंस होती हैं वेमेन जो फीमेल परफॉर्मेंस होती उनको मई बी नाम से जानते हैं लई हरोबा आपका फेस्टिवल क्लियर और लई हरोबा जो है ये मैथी जो यहाँ पे कई कम्युनिटी है मैथी वो इसको सेलिब्रेट करती है मैथी कम्युनिटी है ना और अगर हम बात करें आ, हिंडन हिंडन कहाँ है हिंडन ये हमारा और हिंडन से आपका हो जाएगा हिरकू हिंडोनबा फेस्टिवल ठीक है तो सारे हमें याद हो गए और मणिपुर की हमारी वो है कौन और यहीं पे कुकी वर्सेस मेटी अभी हुआ था और यहीं की हमारी मेरीकॉम है बॉक्सर जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है हम पढ़ेंगे यू से स्टार्ट होता है उनकी आटोबायग्राफ़ी का नाम हाँ अभी हम पढ़ेंगे जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे और उनको शेफ़ डी मिशन के तौर पे अपॉइंट किया गया है अगले ओलंपिक के लिए यानी कि इंडियन कंटिजेंट को पूरे ओलंपिक्स के दौरान लीड करेंगे एक तरह से है ना और अचंता शरद कमल टॉर्च लेके चलेंगे जब इंडिया की वो वो होती है ना पासिंग आउट टाइप क्या होता उसको है उसको बोलते हैं ठीक है और वैसे टॉर्च बेरर इंडिया की तरफ से कौन जाएंगे अभिनव बिंद्रा है ना तो ये हमारा कौन सा क्या मैंने पूछा था अनब्रेकेबल ठीक है ऑटोबायोग्राफी का नाम मैरी कॉम का तो अनब्रेकेबल उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है तो हम आगे देखेंगे फेस्टिवल्स ऑफ मिज़ोरम पे आते हैं तो मिज़ोरम को जरा बताइए जोग्रफी मैंने आपको बताया था इसको किस नाम से जानते हैं मिज़ोरम को उसका जो दूसरा नाम होता है वो भी एम से स्टार्ट होता है तो भी मिजोरम पे आते हैं तो मिज़ोरम के कुट 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 बिस्कुट कुट 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 किट 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 एक एडवर्टाइज़ आता है ना एक्चुअली क्या वो कल एडवर्टाइज आ रहा था किट 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 एक अपॉक करके है ठीक है नहीं तुम लोग आई पी एल देखते हो गए तो आता होगा देखा होने किट, किट 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 तो वो मेरी छोटी सी भतीजी है तो उसने सुन लिया तो बस किट 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 ही करते जा रही थी वो ठीक है तो चपचारकुट मीम कुट फवांग कुट तो जहाँ भी कुट दिख जाए सीधे आप मिज़ोरम मारेंगे और मिज़ोरम को हम जानते हैं मलासिस बेसिन के नाम से मलासिस बेसिन के नाम से ठीक है आगे बढ़ते हैं मेघालय के देखते हैं अभी फेस्टिवल्स तो मेघालय के फेस्टिवल्स आपको पहले से याद हैं है ना वंगाला याद है ट्राइब बता दीजिए जल्दी से वंगाला कौन सी ट्राइब ये क्योंकि डांसेस भी है ना इसलिए हमें याद है तो वंगाला नॉन्म जिसको नंगे कर्म करके याद किया था हम लोगों ने और बेहदिन कलाम तो इसको इस तरह से याद किया था ये गारो ट्राइब परफॉर्म करती है इसको हम किस नाम से जानते हैं फेस्टिवल ऑफ वॉट नॉन्क्रेम नंगे कर्म कब कर हो जाएंगे अगर आपको करोगे तो खांसी हो जाएगी और बहदिन कलाम आपकी जयंतिया जो जयंतिया ट्राइब है और जो शद शुक्र फेस्टिवल है ये भी आपकी जो जयंतिया ट्राइब है वही परफॉर्म करती है हम सभी पता है कि ये मेघालय है ये गारो है खासी जयंतिया इन्हीं खासी हिल्स पे मेघालय की कैपिटल शिलॉन्ग लोकेटेड है इन्हीं खासी की हिल्स पे आपके मोसिन राम और चेरापूंजी जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है वो भी लोकेटेड है बंगाला को हम फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड ड्रम्स के नाम से जानते हैं ठीक है फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड ड्रम्स के नाम से जानते हैं यहीं का आई थिंक आपका वो एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी है या फिर चेरी ब्लॉसम भी है ठीक है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका यहाँ पे भी ये भी सेलिब्रेट होता है चेरी ब्लॉसम तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो ये आपको पहले से ही याद है आपको इसमें कुछ याद नहीं करना होगा नया ठीक है पहले से याद होंगे आपको अभी आते हैं महाराष्ट्र पे ठीक है महाराष्ट्र में भी आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे हंड्रेड ड्रम्स बोलते हैं हाँ जी स्ट्रॉबेरी भी है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी है ठीक है चेरी ब्लॉसम एंड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी यहाँ पर आपका है तो स्ट्रॉबेरी आप नोट कर सकते हो ठीक है चेरी ब्लॉसम नहीं आई थिंक चेरी ब्लॉसम तो उसमें हम देख चुके हैं ये होगा आपका स्ट्रॉबेरी है ना कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्ट्रॉबेरी खाने के लिए जंगल में गए नंगे होके ठीक है नहाए तो वो नंगे कर्म किए तो खांसी हो गई है करके याद कर सकते हैं महाराष्ट्र पे आते हैं तो महाराष्ट्र में हमारा विठोबा अब जो विठोबा होता है ना ये भगवान विट्ठल जो विष्णु जी हैं उनके अवतार माने जाते हैं विठ्ठल जी तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है विठोबा विठोबा मंदिर भी है विठोबा टेम्पल भी है महाराष्ट्र में नरली पूर्णिमा हो गया आपका वट पूर्णिमा हो गया ठीक है गुड़ी पड़वा गुड़ी का मतलब क्या होता है बताइए महाराष्ट्र के लोग बताएँगे गंगा कोजागिरी काला घोड़ा महोत्सव <laughs> गणेश चतुर्थ चतुर्थी और एलिफेंट फेस्टिवल और एलिफेंटा नॉट एलिफेंट एलिफेंटा आपको पता है केव्स है हमारी है ना महाराष्ट्र में तो वहाँ पे और पोला फेस्टिवल पोला याद आ रहा है आपको पोला कहाँ पे था छत्तीसगढ़ में भी पोला था तो यहाँ पे ट्रिक नहीं है ट्रिक है चलो घोड़ा और पड़वा पड़वा जो बोलते हैं भैंस का जो बच्चा होता है हमारे यहाँ पड़वा बोलते हैं उसको क्या पता कि नहीं क्या बोलते हैं तो घोड़ा और पड़वा पूर्णिमा पे लड़ गया दोनों ठीक है तो गणेश जी की सवारी कौन तो एलिफेंट बोला थोबड़ा देखा तुम लोगों ने अपना हाँ मैं गणेश जी की सवारी तो घोड़ा से हो, जा, हो जाएगा आपका गुड़ी पड़वा और गुड़ी का मतलब होता है विक्ट्री ठीक है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका तो घोड़ा से हो जाएगा गुड़ी पड़वा पड़वा से भी कुछ ना कुछ तो होगा ही पड़वा से आप आई थिंक पोला याद कर सकते हैं नहीं नहीं पड़वा घोड़ा नहीं घोड़ा नहीं। से होगा काला घोड़ा ठीक है काला घोड़ा महोत्सव पड़वा से होगा गोड़ी पड़वा विच इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल ये आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है और गोड़ी का मतलब आपको पता होना चाहिए इट मीन विक्ट्री जीत को सिंबलाइज करता है पूर्णिमा से हो जाएगा आपका नरली पूर्णिमा ठीक है नरली पूर्णिमा हो जाएगा लड़ गए गणेश तो गणेश से भी कुछ ना कुछ होगा गणेश चतुर्थी सवारी सवारी से भी होगा सवारी से आई थिंक नरली होगा है ना सवारी से नरली पूर्णिमा नहीं पूर्णिमा से तो यार नरली पूर्णिमा और दोनों वट पूर्णिमा दोनों हो जाएंगे सवारी से भी कुछ ना कुछ तो होगा ही मैंने ऐसे तो फालतू में तो बनाया नहीं होगा चलो कोई नहीं तो एलिफेंट बोला एलिफेंट से एलिफेंटा फेस्टिवल बोला से पोला फेस्टिवल थोबड़ा देखा है तो थोबड़ा देखा है थोबड़ा से थोबड़ा से हो जाएगा विठोबा थोबड़ा से हो जाएगा विठोबा ठीक है सारे हो गए तो विठोबा ध्यान रखना भगवान विष्णु को ये समर्पित होता है फेस्टिवल ठीक चलिए अभी आते हैं नागालैंड पे हमारा ईस्टर्न स्टेट है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड जहाँ की कैपिटल क्या है कोयमा है यहीं पे आपके हुए थे अभी नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स हुए थे आपके जिसमें कि टॉप किसने किया था मणिपुर ने टॉप किया था अगर करंट अफेयर्स में आप अपडेटेड होंगे वैसे तो अप्रैल के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे क्योंकि अप्रैल की न्यूज़ है बाकी डेली करंट अफेयर मैंने आपको बता रखा है तो नागालैंड जो है यहीं पर हुए थे जो यहाँ के सी एम रियो उन्होंने अनाउंस किया था या फिर उन्होंने इसको इनाग्रेट किया था तो नागालैंड के हॉर्नबिल सेक्रनी मोत्सू और अब याद कैसे रखेंगे तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है पहली बात तो ये एक से लेकर दस दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है इट इट इज़ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कि कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं ठीक है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं हॉर्नबिल को और इस तरह से याद करेंगे कि जो नाग रहता है नाग रहता है वो बिल में रहता है नाग बिल में रहता है और बिल में जो है सरक सड़क रेंग रेंगता ना रेंगता है तो रेंगता है रेना ठीक है सेक्रेनी सेक्रेनी ठीक है सेक्रेन इस तरह से, से, से याद कर सकते हो और मोआसू और मोआ्त्सू को आउट ट्राइब परफॉर्म करती है यहाँ पे अच्छा हॉर्नबिल जो होता है इसके यहाँ की जो नागा ट्राइब होती है वो परफॉर्म करती है ठीक है जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागा ट्राइब परफॉर्म करती है इसको और मोआसु को आउट ट्राइब परफॉर्म करती ये है ये इम्पॉटेंट है मोआसू को आउट ट्राइब परफॉर्म करती है और आउट ट्राइब से अवलियांग भी याद कर सकते हैं या फिर जो नाग है वो नागिन को बुला रहा आओ आओ मेरे पास आओ कभी ठीक है शक्कर खिलाऊंगा तुम्हें बिल के अंदर ठीक तो इस तरह से याद कर सकते हो ठीक है कि आ, जो नाग है नाग नागिन को बोल रहा आओ कभी ठीक है आओ कभी और आओ ठीक है और आओ कभी फिर शक्कर खिलाएंगे बिल में तुम्हें तो इस तरह से याद कर सकते हो और कैसे मुआत्सु में मुंह में ऐसे खिलाएंगे ऐसे करके अभी आते हैं उड़ीसा के फेस्टिवल्स देखते हैं ठीक है तो उड़ीसा के कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं <laughs> तो कलिंग महोत्सव तो कलिंग हमने देखा था 261 सिक्सटी में बैटल हुआ था जहाँ पे अशोक जी ने जब क्या कर लिया था बेरी घोषा को रिप्लेस कर दिया था धम्म घोषा से यानी कि वॉर को हटा के पीस यानी कॉन्क्स्ट बाई वॉर को हटा के कॉन्केस्ट बाई पीस की फिलासफ़ी अपना ली थी है ना और उन्होंने अपने जो ये इंपॉर्टेंट फिलासफ़ीज़ हैं वो अपने रॉक एडिक्ट्स और एडिक्ट्स तक uh, के थ्रू लोगों तक पहुँचाए उन्होंने हमने देखा था तो कलिंग महोत्सव उसी चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है जो कलिंग रीजन ऑफ उड़ीसा में मनाया जाता है कोार्क होता है कोनार्क सन टेम्पल में मनाया जाता है राजा परबा रथ यात्रा है ना जो आपको पता है भगवान जगन्नाथ के लिए निकलती है जरा बताइए जो भगवान जगन्नाथ के उड़ीसा वाले जरा बताएंगे जगन्नाथ जी के लिए जो निकलती है किन दो प्लेसेज में कृष्ण जी के एक तरह से सवारी होती है जो किन दो प्लेसेज के बीच का एक कम्यूटेशन को दर्शाती है तो इसकी ट्रिक है आपकी कि छः खाई या नौ खाई ये कौन बताएगा कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हैं वो बताएंगे तो छः से आपका हो जाएगा छऊ फेस्टिवल भी है डांस के साथ साथ खाई से हो जाएगा आपका नुआ खाई अब नुआ खाई में भी इफ एम नॉट आट्रॉन्ग उड़ीसा ले बताएंगे कि नुआ का मतलब होता है न्यू नुआ का मतलब होता है न्यू और खाई का मतलब होता है फूड तो नया फूड एक तरह से जो आई थिंक ये अप्रैल के टाइम पे जब चावल अवल सॉरी अप्रैल बोल रहा हूँ एक कटाई कब होती है सितंबर के टाइम पे कटाई होती है ना खरीफ फसलों की तुत्ता तो भी सेलिब्रेट किया जाता है और उस, उसी टाइम पर एफन ऑग सेलिब्रेट किया जाता है इसको है ना पूरी नुआ खाई गोकुल हाँ लुशियस ने सही बताया गोकुल से लेके द्वारका तक गोकुल से द्वारका बिल्कुल गोकुल से द्वारका हाँ से रिलेटेड है भूमिका गुप्ता हाँ से रिलेटेड है बिल्कुल ऐसा नहीं उड़ीसा में तुमको क्या लगा उड़ीसा के नहीं तो हमें कुछ पता नहीं होगा है कौन से हो जाएगा कोनार्क फेस्टिवल हो जाएगा नुआ खाई से नौ खाई से नुआ खाई हो जाएगा कलिंग से आपके कलिंग महोत्सव हो जाएगा ठीक है राजा से हो जाएगा आपका राजा परबा रथ पे से हो जाएगा रथ यात्रा सारे याद हो गए हमें ठीक है और यात्रा रथ यात्रा यात्रा भी होगा ना कि हो और बाली यात्रा भी ध्यान रख लेना ठीक है यात्रा से बाली यात्रा ठीक है तो ये आपकी रथ यात्रा उनके भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और मतलब इतना क्रेज़ होता पहले तो ये क्रेज़ होता था कि लोग ये जो रथ के सामने कूद के अपनी जान दे देते दे थे, थे कि भगवान तक हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी भगवान तक पहुंच जाएगी अभी तो उतना नहीं होता लेकिन पहले लोग जान दे देते थे, 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 थे इसके आगे रथ के आगे आके है ना तो ये है आपका ये कलिंग जो महोत्सव मैंने आपको बताया अभी आते हैं पंजाब पर तो पंजाब के तो सबको याद है होला अंदर से बोला बार ठीक है तो होला मोहल्ला आपका होता है ये होला मोहल्ला होली के तुरंत बाद होता है लोहरी फेस्टिवल होता है ठीक है लोहरी फेस्टिवल होता है आपका गुरु गुरुपर्बा और लोहरी फेस्टिवल ये कब होता है वही बैसाख के टाइम पे होता है ना गुरु गुरुपरबा हो गया भागता पर्व हो गया आपका और बैसाखी फेस्टिवल ठीक है तो ट्रिक अपनी यहाँ पे बना लीजिएगा वैसे मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है बिकॉज सारे हमें पता चल जाता है नाम पढ़ते ही कि पंजाब का ही है ये ठीक है होला मोहल्ला लोहरी ठीक है लोहड़ी गुरुपरबा भागता पर्व और बैसाखी अभी आते हैं राजस्थान पर मारो राजस्थान तो पुष्कर डेजर्ट फेस्टिवल गंगौर फेस्टिवल नगौर फेस्टिवल चंद्रप्रभा बन बूंदी उत्सव बनेश्वर फेस्टिवल और कोलाहट अब डेजर्ट तो याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बिकॉज राजस्थान में डेजर्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा ठीक है पुष्कर मेला अब याद करो सूरज कुंड लग रहा था हरियाणा में सोनपुर लग रहा था बिहार में और पुष्कर जो है राजस्थान में पुष्कर जी राज कर रहे हैं राजस्थान में गंगौर फेस्टिवल यहाँ पे भी और जो मेनली गंगौर फेस्टिवल है वो राजस्थान में ही होता है जो माता पार्वती को डेडिकेटेड है गंगौर और नागौर सेम साउंड कर रहे हैं ठीक है चंद्रभागा फेस्टिवल बूंदी बूंदी भी जगह पड़ती है राजस्थान में बूंदी उत्सव वहाँ पे होता है बनेश्वर फेस्टिवल और कोलायट फेस्टिवल ठीक है अच्छा राजस्थान के लोगों मैंने एक बात देखी है कि वो आ, ना शब्द का बहुत उपयोग करते हैं है ना ऐसा मुझे याद तो नहीं आ रहा कैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि करना 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 करन पड़ेगा करना है ना ना का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है करना पड़ेगा अपने को अपने को करना पड़ेगा ऐसे टाइप का है ना जो ब, आपके होते हैं ये वेस्ट बंगाल वाले तो वो लोग थोड़ा औ औ का कर ज़्यादा करते हैं है ना ऐसे कि गौरव सौरव ऐसे टाइप के नाम थोड़े से ज़्यादा बोलते हैं ठीक <laughs> है तो अच्छा लगता है सुनकर अरे कानपुर वाले तो एकदम देसी होते हैं मतलब <laughs> सबका अपना अपना अलग अलग है खैर आते हैं अभी सिक्किम पे इसके लिए ट्रिक नहीं है सिक्किम पे आते हैं तो सिक्किम के देखो लो संग लो सिंग नहीं लो है लोसर है सोनम लोचार है सागर दवा है और सकेवा है तो बड़ा आसान है याद करना लो सूंग लो लो सर लो चार लो लो सब जगह लो सूंग लो सर लो चार लो दवा है ना मतलब आप ऐसे याद कर लो कि सर हैं आपके तो आप बोल लो सर लो दवा लो लो चार द लो लो उसको सूंग लो <से थिक्षाँगाद> <laughs> सर को जुकाम हो गया ना तो ऐसे याद कर लो कि मतलब बोल दो सर को कि लो सर चार लो दवा लो सूंग लो ठीक है तो लो सर जहाँ भी इस तरह का देखिए आपको अभी बोलोगे ये तो सर लो दवा है ही नहीं तो क्या हुआ लो दवा याद कर लो सागा दवा ये तुम्हें तो याद आ जाएगा कि भाई वो सिक्किम का ये दवा वाला और सका दवा सकेवा थोड़ा सिमिलर साउंड हो रहा है आपका तो उस तरह से इसको याद कर सकते हो सकेवा तुम्हें तो देखने को मिलेगा लद्दाख में भी लोसर मैंने पहले बता दिया अरुणाचल में देख चुके हैं लद्दाख में भी देखने को मिलेगा ठीक इसके लिए तो ट्रिक होनी ही ना चाहिए कोई क्योंकि याद करो लोसर लो लोचा लो, लो दवा तो साका दवा और सकेवा अभी आते हैं तमिलनाडु पर तमिलनाडु वाले बताएंगे ये कौन सा फेस्टिवल है जरा बताओ जल्दी से जो तमिलनाडु वाले हैं हिंट ये दूध उबल रहा है इसमें ये कौन सा फेस्टिवल है जरा बताओ जल्दी से तो अभी आते हैं तमिलनाडु के पोंगल जल्ली कट्टू थाईपूसम पुथांडू नार्ट अंजलि फ्लोट फेस्टिवल महामहम और थिरुवायूर और कार्तिकाई दीपम तो ये ट्रिक है अंजलि को काट लिया वो पागल हो गई और मतलब किसी ने भी काट लिया मान लो कि कट्टू कर लिया किसी ने कट्टू का मतलब होता है काट लिया ठीक है तो कट्टू कर लिया किसी कुत्ते ने मान लो तो पागल हो गई और थाईलैंड में जाके फ्लोट करने लगी कोई अंजलि बुरा नहीं मानेंगे यहाँ डियर एंजलियंस बुरा नहीं मानेंगे तो अंजलि से हो जाएगा हमारा नाट अंजलि फेस्टिवल नाट अंजलि कट्टू से कर लिया से कट्टू जल्दी कट्टू जो कि आपका वही बफेलो का मतलब एक लड़ाते हैं यहाँ पे सान लड़ाते हैं ठीक है वो बफेलो रेस थी कम्बाला कर्नाटका में यहाँ पे गया वो स, वो बैल लड़ाते हैं यहाँ पे पागल से पोंगल हो जाएगा अब पोंगल जो फेस्टिवल है बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का बहुत मेजर फेस्टिवल है यहाँ का अटुकल पोंगल इज इन केरला पोंगल तमिलनाडु का पोंगल एक्चुअल में एक डिश का नाम है और वो डिश कोई और डिश नहीं है वो खीर है पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल इसमें दूध उबालते हैं कुछ नहीं जैसे मटका ही आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये मटका दिख, दिख रहा है आपको इसमें दूध डाल दिए चावल ओवल डाल दिए थोड़ा गुड़ या गुड़ की जगह शक्कर डाल दी मतलब चीनी डाल दी और इसको उबलने देते हैं खीर बनाते हैं और तब तक उबलने देते हैं जब तक ये बहने नहीं लगता है समझो बहने नहीं लगता है सो so दैट जो इसमें बह बह के बाहर निकलता है थोड़ा बहुत उसको भगवान को चढ़ाया जाता है तब बाद में लोग खाते हैं इसको ठीक है तो ये होता है पोंगल फेस्टिवल और पोंगल जो है तीन तरह का फेस्टिवल होता है ध्यान रखना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता तो हूँ तीन पोंगल होता है मतलब तीन नहीं सॉरी चार दिन होता है चार दिन परफॉर्म किया जाता है एक तो पहले दिन होता है भोगी भोग लगाया जाता है भगवान को तो भोगी पोंगल होता है ये ठीक है भोगी पोंगल होता है ये आपका इसको जो है यहाँ पे रंगोली वगैरह बनाई जाती है पुरानी चीज़ें जो है जलाई जाती हैं ये भोग ठीक है फिर आता है आपका सूर्य पोंगल तो सूर्य भगवान को समर्पित है ये वाला पोंगल ये वाला जो है इंद्र भगवान को समर्पित है ये वाला सूर्य भगवान को समर्पित है तीसरा होता है मठ इफ एम नॉट रॉन्ग इसको बोलते हैं मठ और यहाँ पे जो गाय बैल होते हैं गाय बैल जो होते हैं तो उनको जो है उनको थोड़ा सजाया सजाया वगैरह जाता है और आखिरी होता है कानूम आखिरी होता है कानूम आखिरी दिन होता है पहले दिन पुरानी चीज़ जलाई जाएंगी भोगी बोलते हैं दूसरे दिन सूर्य पूजन होगा खीर वीर बनाई जाएगी पोंगल बनाया जाएगा पोंगल के अंदर टू बॉयल होता है एक तरह की डिश है और देन मठ देन आपका कानून यहाँ पे कानून में क्या होता है कानून में गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं यहाँ पे ठीक है थाईपूसम अब थाईपूसम यहाँ का है थ्रिसुरपुरम कहाँ का है थ्रिसुरपुरम थेयम सॉरी 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 थाईपूसम यहाँ का थ्रिसुरपुरम केरल का है ध्यान रखना क्या वहाँ पर लिखवाया था नहीं लिखवाया था केरल तो काफ़ी पीछे निकल गया वहाँ पर लिख लेना ठीक है जो थ्रिरुरपुरम होता है थ्रिसुरपुरम और थेयम दोनों ही आपके केरल के हैं थ्रिसुर और जो थेयम है वो केरल के हैं जो थाईपूसम है वो तमिलनाडु का है पुथांडू तमिलनाडु पुथांडू ये आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है ठीक है न्यू ईयर फेस्टिवल है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं पागल से पोंगल हो गया थाईलैंड से हो जाएगा आपका थाई पूसम फेस्टिवल हो जाएगा थाई पूसम हो जाएगा और फ्लोट से हो जाएगा आपका फ्लोट फेस्टिवल है करने लगी से करतिकाई दीपम हो जाएगा और यहाँ पर हमने पढ़ा था क्या कावड़ी भी पढ़ा था ना जो थाई पूसम फेस्टिवल होता है इसी में ही आपका थाईपूसम फेस्टिवल में ही वो कांवड़ निकलते मैंने बताया था ना कावड़ी कावड़ी डांस भी होता है जहाँ पे इसको बर्डन डांस बोलते हैं जहाँ पे मैंने बताया तो सूजा टाइप होता है जो भगवान कार्तिक होते हैं जिनको मुर्गन लॉर्ड मुर्गन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में ठीक है और उनका एक जो अस्त्र होता है जैसे शिव जी का त्रिशूल तो वैसे इनका स्पियर है तो उसको घुसा देते हैं खाल में मुँह में पीठ में पेट में बताया था ना और उसमें टांगते हैं वो कावड़ जो कावड़ी होती है उसको टांगते हैं ठीक है तो वो हमने देखा था बातें तेलंगाना पे जो ट्वेंटी थर्ड स्टेट तो तेलंगाना में बना लू, बना बनालू ये आपका डांस भी होता हमने देखा था ना बना बनालू बुर्रा बना लूँ बातूकम्बा फेस्टिवल मेधाम मेधा राम जात्रा और सम्मा कामा यात्रा तो जो बातूकम्बा फेस्टिवल होता है जो लोग तेलंगाना वगैरह से होंगे आंध्र प्रदेश से कर्नाटक से उन्होंने आई थिंक पता होगा कि इसमें जो फूल होते हैं ना फूल को जो ये मेनली वेमेन करती हैं इतना आदमियों को कहाँ काम फूल वूल सजाएंगे वो तो अपना पड़े हैं कुछ भंड टाइप के और जैसे मान लो भैंस दौड़ानी हो हैं और लड़ाने हो सॉँड लड़ाने हो तो वो सारे काम कौन करते हैं मेल परफॉर्म करते हैं ठीक है थीके? अब जो वेमेन है वो यहाँ पे फूल का जो है इस तरह से बाथु कम्मा बनाती हैं बड़े बड़े बाथु कम्मा बनाती हैं जिसका कितना किसका कितना बड़ा बनता है और फिर इसको आखिरी दिन बहा दिया जाता है ये नौ दिन फेस्टिवल चलता है यहाँ पे हॉलीडे भी रहती है तेलंगाना में जो लोग होंगे पता होगा नौ दिन पूरे दिन फेस्टि मतलब हॉलीडे रहती है तो नौ दिन चलता है और प्रॉस्पैरिटी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है इसमें इसके बनते हैं वेमेन परफॉर्म करती हैं इसको ठीक है नौ दिन चलता है तेलंगाना में राम यात्रा सम्मक यात्रा इस तरह से याद कर सकते हैं भथुआ बना लूँ शाम को मैदा के साथ तो मतलब तुम पूछ रहे हो अपनी मम्मी से मम्मी भथुआ बना लूँ शाम को मैदा के साथ तेल में हैं तेल में फ्राई फ्राई करके तेल में फ्राई करके कानपुर के लोग भी अंधेरे को अंधेला बोलते हैं हाँ ठीक है ले लो मौज तो बथुआ की अगर बात करें तो बथुआ से है आपका बथुआ कम्मा ठीक है और पता है मुझे एक किसी ने वीडियो भेजा था इंस्टाग्राम पे वो एक्चुअली वो बंदा भी मतलब कोई बड़ा मतलब वैसा था और वो अंधेरा को अंधेला ही बोल रहा था आई एम लाइक अस मोमेंट हो गया भाई <laughs> वो बोला कि देखो देखो सर ये भी अंधेला बोल, बोल रहा है आपकी तरह मैंने कहा और क्या अंधेला होता तुम लोग गलत बोल रहे हो अंधेरा अंधेला ही होता है वो ठीक है बनालू से बनालू हो जाएगा शाम को से यात्रा हो जाएगा और मेधा के साथ मेधाराम यात्रा ठीक है तेल में बना रहा है अब तेल में भाई बतुआ ही बना रहे हैं तेल में कुछ और कर रहे हैं खैर आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा पे आते हैं तो त्रिपुरा पे जो है आते हैं अभी त्रिपुरा में है खर्ची पूजा होजागिरी गरिया पूजा और बीजू ये सारे कहाँ के हैं तो बीजू डांस भी था अगर आपको याद हो है ना बीजू मेरा अभी हक है माई पे तो इस तरह से हमने आया किया था मई माता डांस था हक हाई हक डांस याद किया था त्रिपुरा में याद आ रहा आपको तो तो बीजू तो पहले से याद हो जाएगा ठीक है गरिया पूजा खर्ची पूजा 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 त्रिपुरा पूजा ठीक है और होजागिरी कोजागिरी नहीं है ध्यान रखियो कोजागिरी है महाराष्ट्र का कोजागिरी पूर्णिमा भी होता है जैसे अभी पड़ी थी ना पूर्णिमा वट पूर्णिमा पड़ी थी तो वैसे कोजागिरी पूर्णिमा भी होती है महाराष्ट्र में चलो अगले स्टेट पे आते हैं दैट इज़ उत्तराखंड पे आते हैं तो उत्तराखंड पे आते हैं उत्तराखंड के हरेला दई बितौली और कंडाली ठीक है हरेला तो हरे हरे फूल दिए किस में किसने दिए हरे हरे फूल दिए किसने दिए कंडी में कंडी में कंडी के भीतर हरे हरे फूल रखे हुए हैं ऐसे याद कर लो वही कंडी के अंदर कंडी से कंडाली लेकिन कंडाली बितौली तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हरेला और फूल दे बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसे याद रखो हरे हरे फूल हैं कहाँ पे उत्तराखंड में उत्तराखंड में आपको अगर याद हो आपका ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है ना तो फ्लावर फूल वूल सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे तो उत्तराखंड के फूल हैं तो हरे हरे फूल हैं तो हरे से हरेला फूल से फूल दे और ज़रा बताओ वैली ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है लो भैया ख़त्म हो गए लद्दाख का नहीं आया यार मैंने ऐड तो किया था तो मैमोए टाइप हो गया मेरे साथ जे के एल लद्दाख हो तो गया। <laughs> हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक है ठीक 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 तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं भाई आज तो पता ही नहीं चला ग्लास का वैली ऑफ लाव साइलेंट वाली कहाँ पे केरल में है हम्म वेस्ट बंगाल के छूट रहे हैं हाँ वेस्ट बंगाल के छूट रहे वही मैं सोचूं एक स्टेट मेरा फेवरेट वाला छूट रहा है वेस्ट बंगाल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वेस्ट बंगाल के है ना तो वेस्ट बंगाल में तो सबसे पहले यहाँ का न्यू ईयर पहला बैशाख ठीक है पहला बैशाख हो जाएगा यहाँ पर पौष मेला ठीक है पौष मेला, मेला और ममता दीदी कैसी हैं तुम्हारी जमाई सस्ती ठीक है जमाई सस्ती यही होते हैं दो तीन इम्पॉर्टेंट तो पहला वैशाख पौष मेला और कोई होता है बताओ ऐड करो जो लोग अगर हैं तो दुर्गा पूजा तो खैर यहाँ का फे, फेमस है ही है, है ना खैर दुर्गा पूजा चरक पूजा भी यहीं पे होती है है ना तो ये इम्पोर्टेंट है बाकी तो आई थिंक यही इम्पोर्टेंट वाले हैं और कोई है इंपॉर्टेंट जो मतलब इम्पॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और कि भाई नाम में ही स्टेट का ना, नाम ना हो यही होते हैं ठीक है चलो भाई हाँ बॉल यात्रा हाँ बॉल यात्रा तो जहां भी ये बॉल पॉल पॉश पाइला जमाई ठीक <laughs> है जहां भी देखने कर ले हाँ कानपुर वाले यूपी भूल गए तो सब आपको हाँ गंगा सागर और ये गंगा सागर मेला आई थिंक होली के बाद होता ना ये गंगा सागर मेला एक स्टूडेंट ने बताया था सर तो आज गंगा मेला है तो हमारे यहाँ भी कानपुर में गंगा मेला होता है जब ये होली के बाद आई थिंक आठवें दिन होता है तो गंगा गंगा सागर ये गंगा मेला जहाँ जहाँ भी गंगा नदी जाती है कानपुर में गंगा नदी फ्लो होती पटना में होती है वाराणसी में होती है तो यहाँ हर जगह गंगा मेला होता है और ऐसे ही वहाँ पर होता है यू स्पीक बंगाली वेरी वेल है मेरे को बंगाली सीखनी है कोई सिखाएगा <laughs> काफ़ी अच्छा लगता है पाउ ला पाउल पौश मेला जमाई सारे यूट्यूब घूमया थारे जैसा ना कोई <laughs> अच्छा सुदीप्ता घोष आप वेस्ट बंगाल से मुझे पता चल जाता है कौन कौन हाँ बॉबी मंडल ये भी वहीं से ही है, तो है तो उड़ीसा से या तो का कितने लोग हैं यहाँ के काफ़ी लोग हैं ना राखा बंधन होता है क्या यहाँ पे राक्षा बंधन राखा बंधन <laughs> सर आपकी डॉल का नबो <laughs> बा अच्छा नबो बा बोलते हैं इसको तो भाई सभी लोग ध्यान रखेंगे इसको नव वर्ष नहीं होता नबो बादशाह होता है ठीक है नबो बाशाह नवो बाशाह तो लपक के रिवीजन जो है चलो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कल, मतलब क्वेश्चंस तो कल लगाएंगे जो एमसीक्यूज पूछे गए और आज जो हम लोग रिविज़न कर लेते हैं शुरू करें रिविज़न बताओ हुँ? चलो जल्दी से बताओ लोक रंग कहाँ पे होता है जल्दी जल्दी करेंगे मतलब कल तो क्वेश्चन करेंगे ही अप्लीकेशन पर होंगे वो क्वेश्चन ठीक है तो एप्लीकेशन में वो क्लास होगी तो लोक रंग हो गया आपका लोक रंग जल्दी से बताओ एंड ये थैंक यू एम को किसको गुस्सा लग रही है खाली होना चाहिए था ठीक है लोक रंग बताओ और लोक रंग जहाँ से वहीं से भगोरिया भी है पेनकुनी कहाँ से है पेनकुनी फेस्टिवल कहाँ से है और हेमिस फेस्टिवल कहाँ से जो दो दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गुरु पद्म संभव के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और 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 क्या देख लें लोसर कहाँ का है मोपिन कहाँ का है पांगसाओ कहाँ का है बाइको फेस्टिवल कहाँ का है बाइको फेस्टिवल अली अई फेस्टिवल कहाँ का है मै दैम मैफी फेस्टिवल कहाँ का है मै दैम मैफी फेस्टिवल ठीक है और लू नगाई कहाँ का फेस्टिवल है लू नगाई गंग नगाई तो देख लेते हैं तो लोक रंग हो गया भगोरिया हाट हो गया ये कहाँ का है ये मध्य प्रदेश के हैं ठीक है लोक रंग पाँच दिन फेस्टिवल चलता है भगोरिया हाट चलता है कितने दिन भगोरिया चलता है आई थिंक कितने दिन सात दिन चलता है और ये होली के पहले होता है और लो सर मेरी पिन पकड़ो और मेरे पास आओ अरुणा ने बोला था है ना अरुणाचल प्रदेश ड्री फेस्टिवल भी यहीं पे होता है पेन कुनी आ, वास क्या हमने पढ़ा था पूरन वासु एंड निशा दे ऑल आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस एट दी वल्लम एट दी मकर संक्रांति तो पूरन थिर पूम हो गया था पेन से पेनकुनी फेस्टिवल हो गया था वासु से विशु फेस्टिवल हो गया था जो न्यू ईयर अब मुझे आपको समराइज़ करने है न्यू ईयर फेस्टिवल आपको समराइज़ कर देता हूँ अभी ठीक है कौन कौन से हैं बाइको फेस्टिवल आपका बाईको अली अली के अबू के साथ तो किसने बहू ने असम की बहू ने बाई को पटक पटक के मारा था क्योंकि उसको अली के अबू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने के जाना था तो बिहू फेस्टिवल बाइको फेस्टिवल देहंग पटकाई फेस्टिवल अली अई फेस्टिवल मैदम महफी फेस्टिवल अल अम्बु बाची फेस्टिवल सब कहाँ के हैं असम के हैं आपके है ना असम के हैं और हेमिस है फेस्टिवल लद्दाख का है लू नगाई गंग नगाई लुगई जैसे ही मिली लुगाई आया और मनी आई चलिए मनी आई मतलब पैसा आया तो मणिपुर के सारे फेस्टिवल है अब थोड़े से न्यू ईयर फेस्टिवल आपको समराइज़ कर देता हूँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन से होते हैं देखो तो जो मलयाली कम्युनिटी मतलब तो तो होती है मलयाली मतलब आपका वही आप समझ लो जो केरल वगैरह होता है तो उसको मलयाली कम्युनिटी बोलते हैं तो जो मलयाली कम्युनिटी होती है यानी कि जो केरल में इसको विशु के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ठीक है मलयाली जो कम्युनिटी इसको विशु के रूप में सेलिब्रेट करती है देन अगर हम बात करें मद्रासी कम्युनिटी दैट इज़ जो आपकी तमिलनाडु वाली कम्युनिटी इसको पुथांडू के रूप में सेलिब्रेट करती है पुथांडू तमिलनाडु है तमिल ना और उगाड़ी पेंडू पोडा पेंडू इस याद किया था ना कि कुचीपूडी आंध्र प्रदेश का पोडू पेंडा ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम है आंध्र प्रदेश में तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं और कर्नाटका में जानते हैं उगाड़ी के नाम से ठीक है आंध्र प्रदेश का हो गया एंड महाराष्ट्र का हो जाएगा हमारा क्या महाराष्ट्र का घुड़ी पड़वा घुड़ी का मतलब क्या होता है गुड़ी का मतलब होता है विक्ट्री और 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 वेस्ट बंगाल का पहला बैशाख ठीक है तो पहला बैशाख हो जाएगा नाबोबार्शाह ये ठीक है नव वर्ष नहीं कोई बोलेगा पहला बोक हो गया लोसर कहाँ गए तो जो भी तिब्बतन आपके ये कम्युनिटीज़ हैं अरुणाचल हो गया सिक्किम हो गया लद्दाख हो गया यहाँ पे होता है एंड एक जो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे एंड दैट इज़ कि जो पारसी कम्युनिटी है जो पारसी कम्युनिटी है वो इसको पटेटी या फिर नवरोज़ के रूप में सेलिब्रेट करती है ठीक है नवरोज़ के रूप में इसको सेलिब्रेट करती है पटेटी या नवरोज़ के रूप में पारसी जो कम जो कम्यूनिटी है ठीक है और तो कोई नहीं छूट रहा है बस ठीक है तो यही पूछता है आपसे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं तो चलिए अब कल हम लोग करेंगे इसका पूरा रिविज़न और रही बात जो लोग सी पी ओ सी एच एस एल वाले हैं सलेक्शन पोस्ट वाले हैं जेई वाले हैं सी जी एल वाले हैं वो सारे अभी मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली संडे का सर आप यू पी एस सी का बैच स्टार्ट करो आपके टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है हर्ष कुमार अच्छा टाइम भी तो होना चाहिए यार है टाइम भी तो होना चाहिए लोसुंग फेस्टिवल हो चुका है रहे, रहे से जी हैं लोसुंग नहीं हुआ है लोसुंग लो चार लो दवा लो सर सब पढ़े तो हैं सिक्किम में हाँ जी प्रशांत जी सी और सी का कंबाइंड स्ट्रेटजी आएगा आमिर तमाको भालो बाहशी अच्छा आदित्य बताया नहीं तुम लोगों ने ममता जी कैसी है हाँ बुंदेलखंड से बुंदेलखंड रीजन से तो नहीं है बुंदेलखंड के वेस्टर्न साइड में पड़ता है कानपुर तो अच्छा संडे को ये पयला बैशाख ये कोई वेस्ट बंगाल का था अभी भी मुझे याद है वेस्ट बंगाल का कोई स्टूडेंट था सेलेक्ट हुआ था बोलता कि सर वो हम आपको रसगुल्ला भिजवाएंगे आज तक नहीं भिजवाया तब मुझे समझ में ये जो लौटेला पहाड़ी लोग हैं ये सिर्फ मतलब ही टाइप है जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक बोलते हैं सर ये कर जैसे सिलेक्शन हुआ बोलते हैं कि सर आ, सर एड्रेस दीजिए सर हम वो भिजवाते हैं एड्रेस दिया मैंने उसको अपने दिल पे पत्थर रख के कि कहीं चलो लीक ना हो जाए ना चलो रसगुल्ला के लिए तो कर ही सकते हैं लेकिन वो रसगुल्ले आए नहीं कभी <laughs> अच्छा आ, आज सरहुल है आज ही सारे फेस्टिवल हैं क्या वही आज ही आज ही सरहुल है अच्छा ममता जी अच्छी चोट वोट तो नहीं लगी कहीं चुनाव आ रहे हैं ना तो आजकल चुनाव के टाइम पे चोट जल्दी लग जाती है <laughs> अच्छा ईडी से भाग रही हैं अच्छा अच्छा पुष्पम मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा हाँ हाँ अच्छा पढ़ाने से याद आया क्योंकि कि तुम लोग बोल रहे थे पीसीस के लिए तो अगर तुम्हारे कांटेक्ट में अगर कोई भी तुम्हें लगता है कि ये भैया हैं जिन्होंने यूपीएससी दिया है या फिर पीसीएस दिया है काफ़ी बार पढ़ाना चाहते हैं ठीक है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई पढ़ाना मतलब आप लोग ये बात नहीं कर रहा हूँ अगर आपके कोई कांटेक्ट में हैं कोई मतलब बहुत अच्छा है मतलब उसने यू दे रखा है या फिर पी दे रखा है और पढ़ाना चाहता है मेन है पढ़ाने के विल और पढ़ाता अच्छा है देन अगर वो चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है ठीक है बाकी की तो बात है क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ कि पीसेस के लिए काफ़ी कुछ करना क्योंकि मैं अकेले तो यार नहीं कर पाऊँगा ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए हाँ मैं एक सर्टेन कॉम्पोनेंट देख सकता हूँ बिकॉज़ एसएससी एस भी सारी चीज़ें होती हैं सी वाले में भी सारी चीज़ें करनी होती हैं तो अकेले तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन हाँ ये है कि लाइक माइंडेड अगर लोग होते हैं जो साथ में कि भाई जो मेरा विजन है कि भाई जो लाइक माइंडेड टाइप है है ना कि मौज से अरफन मौला तरीके से जो पढ़ा सकें तो मतलब ये है कि भाई जैसे मेरे साथ है कि मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुन लिए कि भाई मैं आपको ये पढ़ा दूँ और उन्होंने कुछ सब्जेक्ट चुन लिए तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं अच्छा तो यश कपिल पहले पढ़ लो फिर पढ़ाना है ना रसगुल्ला रस्ते में खा गए अच्छा हुआ? ये भी तो हो सकता है ये भी हो सकता है रसगुल्ला जो भेजे हों किसी ने क्योंकि वेस्ट बंगाल से तो यहाँ पे काफ़ी आ, दूर है वेस्ट बंगाल से तो है ना कानपुर तो हो सकता है किसी ने ऐसा तो नहीं बीच में खा लिया और मैंने कुछ और ही ओपिनियन बना लिया हो कुछ और ही ओपिनियन बना लिया हो सकता है कि मैंने यार हो सकता है उसने भिजवाए रसगुल्ले सर बंगालन भाभी सुबह में नौ नौ वर्ष हाँ जी मॉबी जी चलिए थैंक यू सभी को एक सर दो सौ किलोमीटर के सीट ने ठोक दिया और उनको एक खरो चीज़। अच्छा, अच्छा मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ पर यूपी में रहती हूँ पर मैं आप अच्छा हाँ भी रसगुल्ला ज़रूर लाना सभी लोग वेस्ट बंगाल वाले रहस्य श्रीवास्तव बोल रहे हैं सब कोई अपने अपने स्टेट लैंग्वेज में सर को आई लव यू बोलना चाहिए चलो भाई तो थैंक यू सभी को है ना धन्यवाद और जिन लोगों को बैच वैच लेना होता है तो नंबर वम्बर तो पता होगा ना कि नहीं पता है कि नंबर शेयर करना पड़ेगा देखते हैं नंबर क्या याद भी नहीं ना नंबर अब हमारा नंबर तो है नहीं तो ये नंबर है कॉलिंग फैसिलिटी जल्दी हो जाएगी अभी तो नहीं आई थिंक नाइन टू थ्री फाइव सेवन नाइन एट थ्री एट जीरो ठीक है वैसे तो आप बैच परमार एकेडमी एप्लीकेशन और डब्ल्यू 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 डॉट परमार अकेडमी डॉट इन से ले सकते हैं ठीक है अगर आपको लेना है तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है अगर आपका चल रहा है आराम से काम तो चलने दीजिए ठीक है ममता जी ने सौरभ गांगुली को स्टेट आइकन बनाया था हाँ तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे ममता जी ने सौरव गांगुली को ना स्टेट बिल्कुल हाँ बिल्कुल बनाया था हाँ। चलो भाई थैंक यू सभी को मिलते हैं अब परसों मिलेंगे बिकॉज कल तो एप्लीकेशन पे क्लास होगी सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं करेंगे मिलते हैं परसों है ना थैंक यू थैंक यू धन्यवाद वोट फॉर फीमेल टीचर मतलब तुम लोगों का घूम फिर के एक ही चीज पे सारी चीजें आती हैं लक्षदीप के फेस्टिवल नहीं हुए लक्षदीप में यार मेनली क्या है ना मुस्लिम कम्युनिटी ही है वहाँ पे आई थिंक नाइन्टी फोर परसेंट तो मुस्लिम कम्युनिटी है तो जो भी ईद बकरीद मिलाद उल नबी मुहर्रम इस तरह के जो भी फेस्टिवल हैं वही मिलते मनते हैं ठीक है तो वहीं के बकरीद ईद जैसे आज ईद है तो लक्षद्वीप में खूब मनाई गई होगी बकरीद अभी आने वाली है नबी ठीक है जो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म दिवस है उसको नबी के रूप से मनाया जाता है ना तो वो वहाँ पे होता है आपका मूह तमा को भाला पाइसर अच्छा मूह दा तमा को भाला सुनील बोल रहे हैं लव यू फ्रॉम उड़ीसा अच्छा सर बंगालन के चक्कर मत फंस जाना हाँ <laughs> नहीं पता चला लो जादू टोना क्या होता है ना ब्लैक मैजिक वहीं ज़्यादा चलता है ना वेस्ट बंगाल में वश में कर लिया आज जोग्राफी का वन शॉट हुआ था क्या नहीं हुआ था शाम को वन शॉट वन शॉट के रिगार्डिंग हम बताएंगे संडे को इट्स रोसोग्ला रस, ना रसगुल्ला हाँ रोसोग्ला होता है तो वो मैं संडे को बताऊंगा ठीक है कैसा क्या रहेगा तो संडे को सारी चीज़ें सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ सी पी ओ सी एच एस एल बल्कि सी जी एल के लिए भी जिन्होंने एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट सिलेबस कम्प्लीट किया थैंक यू सभी को यार ठीक है अब ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा धन्यवाद